हेलो फ्रेंड्स, एवरीबॉडी इज वेलकम। आई एम हेमंत अग्रवाल, होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ वेबिनार कंडक्टेड बाय chshelpforum.com। दिस वेबसाइट इज फॉर स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू वेरियस इश्यूज दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एंड विल बेनिफिट बोथ द मैनेजिंग कमिटी एंड द जनरल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। This website has very simple language articles, draft of applications, webinar videos, earlier webinar videos, and more will be added as and when time permits. This knowledge sharing and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. At the end of the speaker session, we will have question answers that will be non-technical small questions in very brief. And these questions will be relating only to today's topic. And questions not relating to today's topic will not be taken up. हाउसिंग सोसाइटीज में, खास करके इसे महाराष्ट्र में, एमसीएस एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत कई टाइप के मेंबरशिप्स हैं। जो साधारण तौर पे हम मेंबर समझते हैं वो ऐसा है कि प्राइमरी मेंबर का मतलब जिस शेयर सर्टिफिकेट पे जिसका नाम फर्स्ट है, ज्वाइंट मेंबर इसका मतलब शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम दूसरा, तीसरा, चौथा, वो सब जॉइंट मेंबर्स में कहलाते। तो जॉइंट मेंबर्स प्राइमरी मेंबर नहीं हो सकता और प्राइमरी मेंबर जॉइंट मेंबर नहीं हो सकता। उसके बाद में एसोसिएट मेंबर, तो एसोसिएट मेंबर जॉइंट मेंबर नहीं हो सकता और एसोसिएट मेंबर प्राइमरी मेंबर नहीं हो सकता। उसके बाद में आता है नॉमिनी मेंबर, नॉमिनी मेंबर को नया नाम दिया हुआ है प्रोविशनल मेंबर। तो प्रोविशनल मेंबर जो है वो प्राइमरी मेंबर भी हो सकता है और जॉइंट मेंबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो किसका नॉमिनी के बेसिस पे वो प्रोविशनल मेंबर बना हुआ है। फिर दूसरा, बायलॉज के हिसाब से नॉमिनल मेंबर, नॉमिनल मेंबर उसको कहा जाता है जो आप आपके फ्लैट में जो टेनेंट रखते हो, लीवन लाइसेंस टेनेंट है, भाड़े पे है वगैरह। एक मेंबरशिप है एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर, जो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए डिलीट कर दिया हुआ है जुलाई 2019 से। और एक होता था पहले सिंपेथाइजर मेंबर, जिसको अगस्त 2014 से उसको भी डिलीट कर दिया हुआ है। इसके अलावा और किसी भी प्रकार का के मेंबरशिप सोसाइटी में एडमिट करना गैर कानूनन है और वो ठीक नहीं है। आज हम सिर्फ बात करेंगे एसोसिएट मेंबर के बारे में। एसोसिएट मेंबर हर प्रकार की सोसाइटी में हो सकता है, हाउसिंग सोसाइटी में भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में भी हो सकता है, प्रीमिसेस सोसाइटी में भी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, मिल्क सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी, इन एनी वेयर इट कैन बी एसोसिएट मेंबर कैन बी अपॉइंटेड। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एसोसिएट मेंबर के बारे में है। एसोसिएट मेंबर वो जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और रूल्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरे स्टेट्स जैसे गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, गोवा हो गया वगैरह, वो उनके अपने अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कानून है। वहां के बारे में एसोसिएट मेंबर की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशंस है, कैसे एडमिटेंस है वगैरह, उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं।
एसोसिएट ओके एसोसिएट मेंबर का स्टेटस का मतलब एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, अभी इंडिविजुअल पर्सन का मतलब है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे मैं हो गया, मैं एक नेचुरल पर्सन है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अग्रवाल एचयूएफ तो वो नॉन नेचुरल पर्सन हो गया, कॉर्पोरेट बॉडी नॉन नेचुरल पर्सन हो गया। तो एसोसिएट मेंबर सिर्फ एक नेचुरल पर्सन, वो भी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन एक फ्लैट के अगेंस्ट में अपॉइंट किया जा सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी डेलीगेट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेंबर को है। प्राइमरी मेंबर मतलब फर्स्ट मेंबर को है। एक फ्लैट के लिए दो एसोसिएट मेंबर या तीन एसोसिएट मेंबर अपॉइंट नहीं किया जा सकेगा, जस्ट इसके लिए क्योंकि सोसाइटी में एक ही प्राइमरी मेंबर है और वो अपना अधिकार उस एसोसिएट मेंबर को देना चाहता है, उसके वो जो कुछ भी करना चाहता है प्राइमरी मेंबर, और वो किसी कारणवश यहाँ पे नहीं है, तो उसका अधिकार वो अपने प्राइमरी एसोसिएट मेंबर को दे सकता है। जॉइंट मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एसोसिएट मेंबर, क्योंकि सारा जो कारोबार है सोसाइटी का उस फ्लैट के अगेंस्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेंबर के अगेंस्ट, प्राइमरी मेंबर के दम पर ही चलता है, उसके अधिकार से ही चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर जॉइंट मेंबर को इलेक्शन लड़ना है तो वो दूसरे जॉइंट मेंबर का कंसेंट ले सकता है, वो और किसी मेंबर का कंसेंट नहीं ले सकता, पर उसको मेंबर कंसेंट लेना है तो वो प्राइमरी मेंबर का ही कंसेंट लेना है। जॉइंट मेंबर को मीटिंग अटेंड करनी है या एसोसिएट मेंबर को मीटिंग अटेंड करनी है तो भी उसका परमिशन उसको प्राइमरी मेंबर से लेना है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक फ्लैट के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही एसोसिएट मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। एमसीएस एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि एसोसिएट मेंबर नेम विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द शेयर सर्टिफिकेट। जैसे उदाहरण के तौर पे शेयर सर्टिफिकेट पे अगर मानो एक एग्रीमेंट में चार नाम है, तो चार नाम में पहला नाम हो गया प्राइमरी मेंबर, बाकी तीन हो गए जॉइंट वन जॉइंट टू जॉइंट थ्री मेंबर्स हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ यही चार नाम शेयर सर्टिफिकेट पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर सर्टिफिकेट पे सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम आएगा जो उस पर्टिकुलर फ्लैट में का टाइटल ओनर है। अगर टाइटल ओनर नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट पे उस व्यक्ति का नाम एंट्री नहीं हो सकता, आई रजिस्टर पे उसका नाम एंट्री नहीं हो सकता। एक कंपनी ट्रस्ट और एन एनजीओ कैनॉट बी अपॉइंटेड एज एसोसिएट मेंबर। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉन नेचुरल पर्सन, दे आर आर्टिफिशियल पर्सन, एंड ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन एसोसिएट मेंबर। कभी कभी क्या होता है कि एसोसिएट मेंबर आप क्यों अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या एसोसिएट मेंबर का मतलब क्या हुआ? एसोसिएट मेंबर का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी मेंबर किसी कारणवश सोसाइटी के रेगुलर अफेयर्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में भाग नहीं ले पा रहा है, किसी कारणवश, हो सकता है कि वो अब्रॉड में हो, या वो बड़ा बुजुर्ग हो गया हो, या फिजिकली इनवैलिड हो गया हो किसी तरह से, और कई भी रीजन हो सकते हैं। तो प्राइमरी मेंबर अपने अधिकार को कायम रखने के लिए और किसी एसोसिएट मेंबर को अपॉइंट कर सकता है। आप ये ध्यान रखें कि जॉइंट मेंबर को एसोसिएट मेंबर आप अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। आपके जानकारी के लिए ये भी बता दें कि एक फ्लैट में ये जरूरी नहीं है कि एक फैमिली ही पूरा टाइटल ओनर हो। इट मे बी कि समझो अनिल शर्मा है, वो टाइटल ओनर है, उसका एक दोस्त है सुनील राव, वो भी फ्लैट ओनर हो सकता है, मतलब वो जॉइंट मेंबर बन गया। इस तरह सुनीता शर्मा भी है तीसरी ओनर, लेकिन वो इन दोनों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो जॉइंट ओनर बन सकती है। लेकिन प्राइमरी ओनर को बनने के लिए कुछ परिभाषा दिखाया हुआ है, आई विल एक्सप्लेन।
एमसीएस एक्ट प्रोवाइड्स दैट हिज प्राइमरी मेंबर का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब है एसोसिएट मेंबर, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइमरी मेंबर इज इक्वल टू एसोसिएट मेंबर. एसोसिएट मेंबर का मतलब लगभग पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है, बट नॉट ए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर. पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर में ये दिया हुआ है कि भाई मेरे बिहाफ में ये सारा काम करेगा वो, लेकिन यहाँ पे एसोसिएट मेंबर को सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए ही पावर दिया जाता है, सोसाइटी के कामकाज के लिए, बाकी और कोई कामकाज वो नहीं कर सकता. एसोसिएट मेंबर कैन नॉट गिव आउट योर फ्लैट ऑन रेंट. एसोसिएट मेंबर कैन नॉट सेल योर फ्लैट. लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को ये सारे अधिकार दिए जा सकते हैं, पर लेने बेचना, भाड़े पे चढ़ाना, मॉर्गेज करना वगैरह वगैरह करने का अधिकार एसोसिएट मेंबर को नहीं है. पर पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर यानी पीओए होल्डर उसको दिया जा सकता है. एसोसिएट मेंबर को सोसाइटी के वोटिंग इलेक्शन में वोट करने का अधिकार है, प्राइमरी मेंबर को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है, एसोसिएट मेंबर को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, मतलब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का अधिकार है, और मैनेजिंग कमिटी मेंबर बनने का अधिकार है. मैनेजिंग कमिटी मेंबर बनने के बाद में मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग्स अटेंड करने का अधिकार है, जनरल बॉडी की मीटिंग अटेंड करने का अधिकार है, वगैरह वगैरह. जो भी अधिकार प्राइमरी मेंबर को होगा सोसाइटी के, वो सारे के सारे एसोसिएट मेंबर एक्सरसाइज कर सकता है. अभी जैसे उदाहरण के तौर पे प्राइमरी मेंबर को अपना फ्लैट भाड़े पे देने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार एसोसिएट मेंबर को नहीं दिया हुआ है. उदाहरण के तौर पे प्राइमरी मेंबर को अपना फ्लैट मॉर्गेज करने के लिए अधिकार है, पर ये अधिकार एसोसिएट मेंबर को नहीं है. कई सोसाइटियां ये सोचती हैं कि इसको एसोसिएट मेंबर बना दिया तो वो प्राइमरी मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सारा कार्य काम कर सकता है. लेकिन फ्लैट को भाड़े पे देना या मॉर्गेज पे देना दूसरे अलग अलग कानून के दायरे में आता है, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के दायरे में आ गया, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के दायरे में आ गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट के दायरे में आ गया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के दायरे में आ गया. तो ये सारा दायरा या जुरिस्डिक्शन एमसीएस एक्ट यानी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट को हम आगे से एमसीएस एक्ट बोल के संबोधित करेंगे उसमें नहीं आता है. प्राइमरी मेंबर ने अगर एक एसोसिएट मेंबर का फॉर्म सोसाइटी को दिया हुआ है तो सोसाइटी बिकम्स बाउंड टू एक्सेप्ट एंड ग्रांट एसोसिएट मेंबर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड ओनली एंड ओनली फ्रॉम द प्राइमरी फर्स्ट मेंबर. ज्वाइंट मेंबर एसोसिएट मेंबर के लिए अप्लाई करेगा तो वो अलाउड नहीं होना चाहिए. Can associate member be classified as a power of attorney holder? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि power of attorney holder का जो power है वो बहुत बड़ा power of बड़ा authority दिया हुआ है. Associate member को एक विचित्र और limited power दिया हुआ है. फर्क ऐसा है कि associate member managing committee member बन सकता है, vote कर सकता है, general body meeting attend कर सकता है, वगैरह वगैरह. पर ये सारे अधिकार power of attorney holder को नहीं दिया हुआ है. So, associate member is delegated limited purpose authority under the provision of section 154B-1 bracket 18A bracket 18A और उसके साथ में एक और कानून है 154B-10 bracket 6. ये इसका अधिकार मिलता है bylaw का फॉर्म भर के, दैट इज फॉर्म नंबर 7. फॉर्म नंबर 7 में कोई स्टैम्प ड्यूटी भरने की आवश्यकता नहीं है और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन भी करने की आवश्यकता नहीं है. पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो होता है पीओए होल्डर इज लीगली इन्फोर्सेबल ओनली इफ द पीओए डॉक्यूमेंट इज स्टैम्प ड्यूटी पेड, मतलब 500 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी लगता है उस पर,
और वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है बिफोर द लोकल ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ सब इंश्योरेंस, जिसको हम टिपिकली बोलते हैं SRO, तालुका SRO. An unregistered power of attorney document is legally null and void for any and all purposes. Associate member के बारे में जानने के लिए हमारे वेबसाइट में आर्टिकल भी है, वो आप रीड कर सकते हैं. उसका एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह भी हमने अपने वेबसाइट में डाल रखा है, वो भी आप जाके रेफर कर सकते हैं. एक प्रश्न ऐसा आता है कई बार कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या एसोसिएट मेंबर बन सकता है? यस, बन सकता है. एक इंडिविजुअल पर्सन, मतलब समझो अनिल शर्मा का बेटा है सुनील, अनिल शर्मा ने अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया कि मेरे बिहाफ में आप ये सारा काम करोगे, लेना बेचना गिफ्ट करना भाड़े पे देना, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ये सारा काम करेगा. उसके साथ में वो ये भी बोलता है कि मेरे बिहाफ में वो मैनेजिंग कमिटी की वो मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग भी अटेंड करेगा, जनरल बॉडी की मीटिंग भी अटेंड करेगा वगैरह वगैरह, पर उसके लिए सारा अधिकार मैं पावर ऑफ अटॉर्नी में देता हूं. पर चूंकि MCS एक्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को जनरल बॉडी मीटिंग या मैनेजिंग कमिटी मेंबर बनने का अधिकार नहीं है, इसीलिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर अपने खुद के नाम पे एसोसिएट मेंबर का फॉर्म भर सकता है. और फॉर्म नंबर 7, दैट इज बायलॉ प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 7, और खुद ही साइन करके वो अपने आप को एसोसिएट मेंबर बना सकता है. कानूनन तौर पे और टेक्निकल तौर पे ये लागू हो सकता है, इसमें कोई कानूनन बंदिश नहीं है इसके अंदर. इसका मतलब ये हुआ कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन बी अ पर्सन हु होल्ड्स एसोसिएट मेंबरशिप अंडर MCS एक्ट एंड पावर ऑफ अटॉर्नी अथॉरिटी अंडर द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट. दो अलग अलग कानून है. एक दूसरा प्रश्न ऐसा निर्माण होता है कि क्या सिर्फ एक ब्लड रिलेटिव या फैमिली मेंबर ही एसोसिएट मेंबर बन सकता है? यस, कलम नंबर 154B-1 ब्रैकेट 18A बोलता है कि एसोसिएट मेंबर का मतलब है इट शुड बी ग्रांटेड ओनली टू फैमिली मेंबर्स, दैट इज फादर एंड मदर, हस्बैंड वाइफ, बहन भाई, बेटा बेटी, दामाद, बहू, नेफ्यू और नीस. इसके अलावा सोसाइटी कैन नॉट गिव एसोसिएट मेंबरशिप टू एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट दिस अबव फैमिली मेंबर्स. मतलब अगर उसके अंकल को दे दिया एसोसिएट मेंबर बना दिया, या नेबर को बना दिया. एक जमाने में ऐसा हुआ करता था, मतलब 2019 के पहले लोकल पान वाले को भी आप एसोसिएट मेंबर बना सकते थे, अपना अधिकार उसको दे सकते थे. अब कानून में सुधार लाके एसोसिएट मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू और नीस को ही बनाया गया, बाकी और किसी को अलाउड नहीं है. प्राइमरी मेंबर के जीते जी एसोसिएट मेंबर अपना अधिकार जो MCS एक्ट में है उसको अधिकार को यूज कर सकता है. सो एक प्रश्न ऐसा आता है कि कैन एसोसिएट मेंबर कंटिन्यू आफ्टर डेथ ऑफ प्राइमरी फर्स्ट मेंबर? नो, एसोसिएट मेंबर अंडर द MCS एक्ट ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट, टेम्परेरी अरेंजमेंट है वो बिटवीन हिमसेल्फ एंड द फर्स्ट प्राइमरी मेंबर. एसोसिएट मेंबर स्टेप्स इनटू द शूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ फर्स्ट प्राइमरी मेंबर ऑन डेथ और रिजिनेशन और इनसॉल्वेंट. जैसे उसका फ्लैट का कुड़की हो गया, ऑक्शन हो गया, या वो दिवालिया घोषित कर दिया गया कोर्ट से, तो प्राइमरी मेंबर को ही दिवालिया घोषित करेंगे. प्राइमरी मेंबर ही गुजरेगा क्योंकि वही फ्लैट का ओनर है, या रिजाइन करेगा वो फ्लैट के ओनर से, बेच दिया निकल गया. तो ऐसी सूरत में जो एसोसिएट मेंबर है उसका अधिकार नल एंड वॉइड हो जाता है. इन अदर वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी मेंबर अनिल शर्मा ने सुनील शर्मा अपने बेटे को, जो कि ज्वाइंट मेंबर नहीं है, उसको
एसोसिएट मेंबर बना लिया और वो अब्रॉड चला गया। अब सुनील शर्मा उसका बेटा इलेक्शन लड़ता है, मैनेजिंग कमेटी बनता है, चेयरमैन बनता है, सेक्रेटरी जो भी बनता है वो बनता है और वो काम करने लगता है अपना। जब तक प्राइमरी मेंबर जिंदा है तब तक। 10 अगस्त को अगर प्राइमरी मेंबर गुजर जाता है तो 10 अगस्त को एसोसिएट मेंबर का राइट अपने आप खत्म हो जाता है। इट बिकम्स डिफंक्ट, इट स्टॉप्स, इट एंड्स, इट बिकम्स इनफ्रक्टिशियस फॉर एनी एंड ऑल लीगल पर्पसेस। ये नहीं है कि मैं तो चेयरमैन हूं, मैं तो चुन के आया था, आप चुन के आए थे प्राइमरी मेंबर के बिहाफ में, प्राइमरी मेंबर चला गया, निकल गया, अब आपका अधिकार खत्म हो गया। सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्राइमरी मेंबर द पावर गिवन टू एसोसिएट मेंबर, द पावर डेलीगेटेड टू एसोसिएट मेंबर ऑल्सो कम्स टू एन एंड इमीडिएटली। सोसाइटी, बाकी के सोसाइटी ऑफिस जो बेरर्स हैं, they will become liable for various prosecutable offenses if such associate member is allowed to continue after death or resignation or insolvency of the first primary member. Can an associate member, कई बार कई लोग पूछते हैं कि associate member बगल के building में रहता है, सुनील शर्मा बेटा है अनिल शर्मा का लेकिन बगल के society में रहता है, अपने खुद के सोसाइटी में नहीं रह रहा है वो, तो क्या उसको एसोसिएट मेंबर बना सकते हैं? मतलब क्या ये जरूरी है कि एबीसी सोसाइटी का मेंबर को ही या उसके परिवार वालों को ही एसोसिएट मेंबर बनाया जा सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है। एसोसिएट मेंबर बगल के सोसाइटी में रह रहा है लेकिन अगर वो प्राइमरी मेंबर का बेटा है, बेटी है वगैरह वगैरह, मतलब फैमिली मेंबर के दायरे के अंदर में आता है, तो उसको आप एसोसिएट मेंबर बना सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि एसोसिएट मेंबर उसी सोसाइटी में रहना चाहिए, इनमें भी वहां और भी कहीं रह सकता है। उसका बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि वो प्राइमरी मेंबर का परिवार वाला होना चाहिए, ही शुड बी ए फैमिली मेंबर। Is the associate member answerable to other joint members of that particular flat? Associate member derives right, उसका जो अधिकार आता है वो primary member के अधिकार से आता है, और society में flat का सभी अधिकार, first जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ primary member ही ले सकता है। तो बाकी legal hires, joint members को कोई अधिकार नहीं है एसोसिएट मेंबर को उस चीज के लिए रोकने के लिए। अगर रोकना है तो उसका एसोसिएट मेंबर कैंसिल करवाना पड़ेगा, और वो कैंसिल होगा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेंबर के सिग्नेचर से या कोर्ट के ऑर्डर से। क्या सोसाइटी प्राइमरी मेंबर ने एक एप्लीकेशन किया कि सुनील शर्मा को मैं एसोसिएट मेंबर बनाना चाहता हूं, और क्या सोसाइटी उसको रिफ्यूज कर सकती है? टेक्निकल क्वेश्चन है, लीगल क्वेश्चन है, पर सेक्शन 154(b)(7) ब्रैकेट ए में यह दिया हुआ है कि अगर उस पर्टिकुलर फ्लैट का ड्यूज का आउटस्टैंडिंग है तो कोई भी मेंबरशिप ट्रांसफर्स या ग्रांट करना अलाउड नहीं है। तो सोसाइटी में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड ग्रांट एसोसिएट मेंबरशिप if there is any outstanding dues against the primary, any first member of the flat under the provision of section 154(b)(7). ek aur prashna aata hai ki kya associate member vote or election mein contest kar sakta hai society election mein? Yes, kar sakta hai wo. Society associate member is legally entitled to vote and or contest society elections provided there is no outstanding dues against the flat and the first primary member is not prosecuted under section 75
और 88। जैसे उदाहरण के तौर पे 1990 में प्राइमरी मेंबर को सेक्शन सॉरी 1990 नहीं 2020 में फर्स्ट प्राइमरी मेंबर को सेक्शन 75(5) के अंडर में उसको 5 साल के लिए डीबार कर दिया हुआ है, या 2020 में फर्स्ट प्राइमरी मेंबर को सेक्शन 88 के अंदर रिकवरी प्रोसीडिंग्स का गुनहगार माना गया है। तो ऐसे केस में वो उसका एसोसिएट मेंबर, क्योंकि उसका अधिकार प्राइमरी मेंबर से आता है, तो अगर प्राइमरी मेंबर को इलेक्शन कॉन्टेस्ट लड़ने का अधिकार नहीं रह गया सेक्शन 75 और या सेक्शन 88 या सेक्शन 98 के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, उसी तरह उसका एसोसिएट मेंबर भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। प्राइमरी मेंबर अगर डिबार्ड हो गया है 75 में, 88 में, 98 में, तो एसोसिएट मेंबर को लड़ने का अधिकार पैदा नहीं हो जाता है, क्योंकि उसका अधिकार पैदा होता है प्राइमरी मेंबर, और प्राइमरी मेंबर डिबार्ड है। एक प्रश्न और निर्माण होता है कि कैन रिकवरी प्रोसीडिंग बी फाइल्ड अगेंस्ट एसोसिएट मेंबर फॉर सोसाइटीज आउटस्टैंडिंग ड्यूज? यस, प्रोवाइडेड द एसोसिएट मेंबर इज रिसाइडिंग इन द फ्लैट ऑफ द फर्स्ट प्राइमरी मेंबर वेरिन इज क्लासिफाइड एज एन ऑक्यूपेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी जैसे अगर सुनील शर्मा एसोसिएट मेंबर है लेकिन बगल के सोसाइटी में रहता है, लेकिन एसोसिएट मेंबर है फर्स्ट प्राइमरी मेंबर का एबीसी सोसाइटी का, तो ही इज नॉट क्लासिफाइड एज एन ऑक्यूपेंट, क्योंकि वो बगल के सोसाइटी में रहता है। लेकिन अगर वो फर्स्ट प्राइमरी मेंबर के फ्लैट पे ही रहता है तो वो ऑक्यूपेंट की कैटेगरी में घोषित किया जाएगा। फैमिली मेंबर तो ही है लेकिन ऑक्यूपेंट भी हो जाएगा। और रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए 154(b)(1) रेड बी सेक्शन 154(b)(10) के अंदर में वो ऑक्यूपेंट क्लासिफाई हो जाएगा, और उसके खिलाफ भी रिकवरी प्रोसीडिंग आप फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर एसोसिएट मेंबर उस पर्टिकुलर फ्लैट में नहीं रह रहा है तो एसोसिएट मेंबर के अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं फाइल कर पाओगे। कैन ज्वाइंट मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ, जो भी है, ऑब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ एसोसिएट मेंबर? नो, द सोल अथॉरिटी टू अपॉइंट एसोसिएट मेंबर इज ऑफ ओनली एंड ओनली द फर्स्ट प्राइमरी मेंबर। देर कैन बी ओनली वन एसोसिएट मेंबर फॉर वन फ्लैट, देर कैन नॉट बी टू एसोसिएट मेंबर फॉर वन फ्लैट, हेंस सोसाइटी कैन नॉट ग्रांट एसोसिएट मेंबरशिप टू मल्टीपल पर्संस फॉर वन फ्लैट। इस वजह से ज्वाइंट मेंबर्स एसोसिएट मेंबर अपॉइंट भी नहीं कर सकते और ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकते। जैसे मैंने शुरू में बताया कि एसोसिएट मेंबर के पास में सिर्फ एमसीएस एक्ट में एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के हिसाब से वो काम करेगा, जिसका अधिकार लिमिटेड पर्पज है। एसोसिएट मेंबर जो होता है वो टाइटल ओनर नहीं होता है, टाइटल ओनर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेंबर व उसके ज्वाइंट मेंबर्स ही हो सकते हैं जिनका नाम एग्रीमेंट में है। तो जिनका नाम एग्रीमेंट में है वही और वही सिर्फ टाइटल ओनर हो सकते हैं, बाकी टाइटल ओनर नहीं हो सकते। प्राइमरी में जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल मेंबर, प्रोविजनल मेंबर भी टेम्परेरी मेंबर है लेकिन वो टाइटल ओनर नहीं है। इसीलिए एसोसिएट मेंबर को फ्लैट बेचने का, गिफ्ट करने का, ट्रांसफर करने का, भाड़े पे देने का, ये सब अधिकार एसोसिएट मेंबर को नहीं है। अगर वो करता है तो वो मैनेजिंग कमिटी के साथ में वो क्रिमिनल ऑफेंस करता है। तो अगर मैनेजिंग कमिटी सुन रहे हैं तो उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि एसोसिएट मेंबर का साइन किया हुआ कोई भी सेल डीड, गिफ्ट डीड, ट्रांसफर डीड, रेंट एग्रीमेंट वगैरह उनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। हाउएवर, अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ये सब कर रहा है तो मैनेजिंग कमिटी उस चीज को एंटरटेन कर सकती है। वो भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी ड्यूली स्टैम्प ड्यूटी पेड और रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर अब्रॉड का है तो वहां पे एम्बेसी नोटर, एम्बेसी अटेस्टेड या नोटरी अपिस्टल रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहां पे स्टैम्प होना चाहिए। K
क्या एक आदमी ये बोल सकता है कि मैं ही खुद ही एसोसिएट मेंबर बन जाता हूँ? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी मेंबर का सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म साथ के बगैर और 100 रुपए का फीस दिए बगैर वो एसोसिएट मेंबर नहीं बन पाएगा। बायलॉ में ये प्रोविजन है। एक प्रश्न हमेशा आता है कि मैं तो एसोसिएट मेंबर बन गया तो सोसाइटी का बिल मेरे नाम पे आना चाहिए। वैसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मैनेजिंग कमेटी को सिर्फ और सिर्फ जो टाइटल ओनर है, यानी जिसका नाम एग्रीमेंट में है, यानी जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में है, सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम पे बिल बनना चाहिए। और किसी के नाम पे सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल बनाना गैर कानूनी है। वह और किसी के नाम पे भी, और किसी का नाम आय रजिस्टर में रिकॉर्ड करना भी गैर कानूनी है। गैर कानूनी का मतलब है वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है। क्या सोसाइटी एसोसिएट मेंबर को बगैर प्राइमरी मेंबर के परमिशन से सोसाइटी से निकाल सकती है? एसोसिएट मेंबर को अपॉइंट करने का अधिकार सिर्फ प्राइमरी मेंबर को है, और उसको निकालने का अधिकार भी या विड्रॉ करने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेंबर को है। सोसाइटी को ये अधिकार नहीं है कि एसोसिएट मेंबर को निकाल दे करके। कई बार ऐसा होता है, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि एसोसिएट मेंबर का नाम सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट रिकॉर्ड कर लेते थे, लेकिन अभी कानून बदली हो गया है 2019 में। सेक्शन 154(b)(1)(18) के अंदर में ऐसा दिया हुआ है कि एसोसिएट मेंबर इज ओनली ए टेम्परेरी डेलीगेटेड अथॉरिटी एंड नॉट द टाइटल ओनर ऑफ द फ्लैट। इसके लिए उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्स करना गैर कानूनी वो गुना होगा। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेंबर और उसके जितने भी ज्वाइंट मेंबर्स हैं, जिसका नाम सेल एग्रीमेंट में गिफ्ट डीड पे वगैरह रिकॉर्डेड है, सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे आएगा। कैन एसोसिएट मेंबर स्टे इन प्राइमरी फर्स्ट मेंबर्स फ्लैट विदाउट पेइंग नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस? यस, क्योंकि एसोसिएट मेंबर को सेक्शन 154(b)(1) के अंदर में ये बोला गया है कि फैमिली मेंबर ही हो सकता है, और बायलॉ में, बायलॉ नंबर 3(XXV) में भी फैमिली मेंबर का डेफिनेशन दिया गया है जो मेंबर फ्लैट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अगर आप बायलॉ नंबर 43(2) को भी देखेंगे तो ये लिखा हुआ है उसके अंदर कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस उनको नहीं लगाना हुआ लगाना है जो प्राइमरी मेंबर के फैमिली मेंबर्स हैं। बायलॉ नंबर 43(2). कॉमन क्वेश्चन है कि एसोसिएट मेंबर इलेक्शन लड़ सकता है, कोऑप्शन से चुना जा सकता है, कमिटी मेंबर बन सकता है, चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर बन सकता है। यस, ये सारी चीजें वो बन सकता है। एसोसिएट मेंबर होने के बावजूद भी प्राइमरी मेंबर से फॉर्म नंबर 10A में साइन करा के लेना जरूरी है इलेक्शन लड़ने के लिए। ये नहीं है कि एसोसिएट मेंबर बन गया हूं तो अब उसको फुल राइट हो गया हुआ है। दिस एसोसिएट मेंबर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओनली व्हेन द फर्स्ट प्राइमरी मेंबर इज नॉट एक्सरसाइजिंग हिज राइट। किसी कारणवश एसोसिएट मेंबर भी फॉरेन चला जाता है 6 महीने के लिए, तो ये नहीं है कि एसोसिएट मेंबर चला गया तो मेरा प्राइमरी मेंबर का जो राइट है वो खत्म हो जाता है। दोनों में से कोई एक सोसाइटी के कार्यभार को देखने में सक्षम है। आफ्टर बिकमिंग मैनेजिंग कमिटी मेंबर कैन एसोसिएट मेंबर साइन सोसाइटी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर, ट्रांसफर फाइल्स, INJ रजिस्टर्स, बैंक चेक्स, डीम्ड कन्वेंस डॉक्यूमेंट्स, रीडेवलपमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे एसोसिएट मेंबर कर सकता है एक्सेप्ट फॉर साइनिंग ऑन रीडेवलपमेंट डॉक्यूमेंट्स। डीम्ड कन्वेंस में मैनेजिंग कमिटी के मेंबर के अधिकार के अनुसार वो साइन कर सकता है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेंबर साइन करेगा रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि रीडेवलपमेंट का जो एग्रीमेंट है इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए चेंज ऑफ टाइटल ओनरशिप डॉक्यूमेंट विच
एसोसिएट मेंबर कैन नॉट डू सो बिकॉज ही इज नॉट द टैटू ओनर। तो फर्क इतना है कि डीम्ड कन्वेंस का डॉक्यूमेंट जो है वो सोसाइटी से संबंधित है, और सोसाइटी से संबंधित होने के बावजूद एसोसिएट मेंबर अगर चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर है तो वो उस डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है लेकिन सोसाइटी के बिहाफ में। लेकिन रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट एनी इंडिविजुअल एग्रीमेंट जो बनते हैं उसको साइन करने का मतलब है अपना खुद का टाइटल ओनरशिप एग्रीमेंट साइन करना, जो अधिकार एसोसिएट मेंबर को नहीं दिया जा सकता है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ज्वाइंट मेंबर्स दूसरे दूसरा ज्वाइंट मेंबर, तीसरा ज्वाइंट मेंबर और चौथा ज्वाइंट मेंबर, दे कैन नॉट अपॉइंट एनी एसोसिएट मेंबर। दिस राइट टू अपॉइंट एसोसिएट मेंबर इज गिवन ओनली टू द प्राइमरी मेंबर, क्योंकि अगर प्राइमरी मेंबर ने भी एसोसिएट मेंबर अपॉइंट कर दिया, सेकेंड बोलता है कि मैं भी अपना एसोसिएट मेंबर अपॉइंट करूंगा, थर्ड भी बोलता है, फोर्थ भी बोलता है, तो ये प्रोविजन है नहीं वहां पे। ओनली वन एसोसिएट मेंबर पर फ्लैट, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज गिवन, अथॉरिटी इज गिवन ओनली टू द प्राइमरी मेंबर ओनली। कैन एसोसिएट मेंबर बी रिमूव्ड? यस, एसोसिएट मेंबर कैन बी रिमूव्ड ओनली एंड ओनली बाय द फर्स्ट प्राइमरी मेंबर। बिगर कारण से ही कैन जस्ट सिंपली इश्यू ए नोटिस टू द सोसाइटी कि आई एम विथड्रॉइंग एट फॉर्म नंबर 7 और आई एम नलीफाइंग दैट फॉर्म नंबर 7 और आई विश टू कैंसिल दैट फॉर्म नंबर 7 एंड विड्रॉ अथॉरिटी गिवन टू माई एसोसिएट मेंबर मिस्टर सुनील शर्मा। और सोसाइटी और मैनेजिंग कमिटी विल टेक इट इन टू मीटिंग इन इट्स एमसी मीटिंग एंड विड्रॉ इट। अगर एसोसिएट मेंबर उस समय मैनेजिंग कमिटी बना हुआ है, चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह वगैरह बना हुआ है, तो इस विड्रॉल के वजह से वो एसोसिएट मेंबर का सारा राइट इंक्लूडिंग मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स राइट सारे के सारे विड्रॉ हो जाते हैं। उस नोटिस के डेट के पहले उस एसोसिएट मेंबर ने जो भी मैनेजिंग कमिटी के में रहते हुए जो भी कुछ काम किया हुआ है वो नल एंड वॉइड नहीं होगा, लेकिन इस नोटिस के बाद में एसोसिएट मेंबर ने कोई भी एक्शन लिया हुआ है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वह कानूनी गुनाह भी माना जाएगा। बहुत टेक्निकल प्रश्न है, क्या एसोसिएट मेंबर अपने खुद के एसोसिएट मेंबर से रिजाइन कर सकता है क्या? यस, जैसे प्राइमरी मेंबर उसको निकाल सकता है वैसे एसोसिएट मेंबर भी एक लेटर लिख सकता है पहले प्राइमरी मेंबर को कि भाई मुझे आपका एसोसिएट मेंबरशिप नहीं चाहिए और मैं सोसाइटी को भी नोटिस दे रहा हूँ कि मैं भी अपना एसोसिएट मेंबर से विड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपने जो भी रजिस्टर्स वगैरह में एंट्री कर रखा है मेरा उसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। एसोसिएट मेंबर के विड्रॉ होने के बाद में उसने जो भी उसका मैनेजिंग कमिटी का पद होगा, डेजिग्नेशन होगा, वो सब अपने आप विड्रॉ हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एसोसिएट मेंबर गुजर भी सकता है, वो खुद रिजाइन भी कर सकता है, मरमुरा गया तो अपने आप ही उसका अधिकार खत्म हो गया, और अगर प्राइमरी मेंबर मरमुरा गया तो उसका जो अपॉइंटेड एसोसिएट मेंबर है उसका भी अधिकार सब खत्म हो सकता है। जैसे एसोसिएट मेंबर गुजर जाता है या रिजाइन कर देता है, कोई भी एमसी पोस्ट मैनेजिंग कमेटी का पोस्ट है वो अपने आप वेकेट हो जाएगा और बाकी के मैनेजिंग कमेटी मेंबर वो उसको रिकॉर्ड पे लेके उस मेंबर के अगेंस्ट में दूसरा मेंबर को कोऑप्ट कर सकते हैं। हमने कोऑप्शन पे पहले एक वेबिनार किया हुआ है, वेबसाइट में जाके आप चेकआउट कर लीजिए, वहां पे आपको सारा कुछ इजीली मिल जाएगा। दूसरा टेक्निकल प्रश्न आता है और हर सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है कि एसोसिएट मेंबर क्या नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट कर सकता है। आपने नॉमिनेशन के ऊपर पे वेबिनार किया हुआ वेबसाइट में है, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि एसोसिएट मेंबर को नॉमिनेशन फॉर्म साइन करने का अधिकार नहीं है। नॉमिनेशन फॉर्म नॉमिनी नॉमिनेशन मतलब अपने इलेक्शन का नॉमिनेशन फॉर्म की बात नहीं कर रहे, अपना फ्लैट के बारे में। तो फ्लैट का नॉमिनेशन फॉर्म साइन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ टाइटल ओनर्स को है। टाइटल ओनर कौन हो गया? जो फ्लैट का मालिक है। फ्लैट का मालिक कौन हो गया? जिसका नाम सेल डीड या गिफ्ट डीड वगैरह वगैरह डीड्स में दर्ज है, रजिस्टर्ड में है। तो एसोसिएट मेंबर कैन नॉट सेल गिफ्ट, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं बना सकता है, मॉर्गेज भी नहीं कर सकता है, लीज भी नहीं कर सकता है, डोनेट भी नहीं कर सकता है, नॉमिनेशन फॉर्म भी नहीं भर सकता और कुछ भी नहीं कर सकता है।
कैन एसोसिएट मेंबर डिमांड एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सोसाइटी? जब तक एसोसिएट मेंबर है, उसका दायरा, उसका जुरिडिक्शन चालू है, उसके लीगल अथॉरिटी है, वो सोसाइटी से वो हर कोई डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकता है जो ओरिजिनली प्राइमरी मेंबर डिमांड कर सकता था. कैन एसोसिएट मेंबर फाइल कोर्ट केसेस अगेंस्ट द सोसाइटी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्स्ट प्राइमरी मेंबर? द आंसर इज के एसोसिएट मेंबर इज नॉट ए फ्लैट ओनर, हैंड इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एग्रीव्ड पर्सन, हैंड ही कैनॉट फाइल एनी मैटर इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइमरी मेंबर. ओनली सोसाइटी के कार्यक्रम में ध्यान देने का काम वो कर सकता है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है. हाउएवर, अगर एसोसिएट मेंबर के पास पावर ऑफ अटॉर्नी भी है, रजिस्टर्ड पावर, तो फिर वो सारा कुछ कर सकेगा. एसोसिएट मेंबर क्या फ्लैट ओनर होना जरूरी है? नहीं. जैसे मैंने पहले बताया कि अगर फ्लैट ओनर है तो वो अपने आप ज्वाइंट मेंबर में कहलाएगा, वो एसोसिएट मेंबर नहीं कहलाएगा. ज्वाइंट मेंबर कैन नॉट बी एसोसिएट मेंबर एंड एसोसिएट मेंबर कैन नॉट बी ज्वाइंट मेंबर. ये 2019 के पहले ही कंफ्यूजन बना रहता था, वो अभी एक्ट जब 2019 जुलाई में चेंज हुआ तब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया. एक बड़ा टेक्निकल प्रश्न ये भी आता है कि एक मेंबर है फ्लैट 101 का, समझो अनिल शर्मा है, अनिल शर्मा मेंबर है फ्लैट 101 का एक्स वाई जेड सोसाइटी में. क्या अनिल शर्मा बगल वाले फ्लैट का, मतलब 102 फ्लैट का एसोसिएट मेंबर बन सकता है क्या? अगर 102 वाला फ्लैट अगर उसका फैमिली मेंबर है तो उस फ्लैट का वो एसोसिएट मेंबर बन सकता है, और उस फ्लैट के अगेंस्ट में, मतलब 102 नंबर के फ्लैट के अगेंस्ट में वो वोटिंग है, कॉन्टेस्टिंग, इलेक्शंस वगैरह वगैरह सारा कर सकता है. लेकिन फिर अपना वो खुद का अधिकार फ्लैट नंबर 101 का जो था वो उसका नल एंड वॉइड हो जाएगा. कैन एसोसिएट मेंबर बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सोसाइटी? यस, इट इज परमिटेड. जैसे प्राइमरी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, वैसे एसोसिएट मेंबर को भी कर सकते हैं. एसोसिएट मेंबर सोसाइटी में कुछ भी उसने फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन किया, फ्रॉड किया, अकाउंट बुक्स में, सोसाइटी के रजिस्टर्स में चीटिंग किया और चेंजेस किया, इलीगल चेंजेस वगैरह कर दिया, तो एसोसिएट मेंबर के साथ में प्राइमरी मेंबर भी गुनाहगार हो जाता है. ये अगर आप देखें तो 154B-10 सेक्शन में ही लिखा हुआ है. तो एसोसिएट मेंबर ऐसा नहीं है कि मैं एसोसिएट मेंबर हूं, मैंने कुछ भी कर दिया तो खाली प्राइमरी मेंबर रिस्पॉन्सिबल होगा. प्राइमरी मेंबर के साथ में एसोसिएट मेंबर भी रिस्पॉन्सिबल होगा. प्राइमरी मेंबर ये नहीं कह पाएगा कि मैंने नहीं किया, ये तो मेरे एसोसिएट मेंबर ने किया है, लेकिन दोनों रिस्पॉन्सिबल है अंडर द सिविल लॉज एज वेल एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज ऑल्सो. Can associate member be, one moment please. Sorry, excuse me. Can associate member be legally prosecuted under criminal or civil or consumer protection act or cooperative laws? Yes, if the MC member is, if the associate member is an MC member, MC का मतलब managing committee member, और उस MC member के कार्यकाल में उसने जो भी कुछ गुनाह किया हुआ है, या offences किया हुआ है, या negligence किया हुआ है, तो अलग अलग सेक्शंस कलम्स के हिसाब से क्रिमिनल जो लॉस एप्लीकेबल होगा,
सिविल लॉज एप्लीकेबल होगा, कंज्यूमर लॉज एप्लीकेबल होगा, कोऑपरेटिव लॉज या और कोई भी लॉज, इवन बीएमसी लॉज आल्सो, वो सारे सारे कानून के अंतर्गत एसोसिएट मेंबर जॉइंटली विथ फर्स्ट प्राइमरी मेंबर कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ऑल दिस ऑफेंसेस. सो आई थिंक आई विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर. थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग टू मी. आई विल ओपन अप द क्वेश्चन आंसर सेशन. जिसको भी पूछना है प्लीज हाथ ऊंचा करने का एक साइन है आपके उसके अंदर, उसको क्लिक कर दीजिए. हम सीक्वेंस में सबके पास में आके उसका क्वेश्चन पूछते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर एच के शाह. मिस्टर एच के शाह, ओके, विल टेक अप क्वेश्चन ऑफ मिस्टर जनार्दन लाड. आर यू देयर मिस्टर जनार्दन लाड? मिस्टर जनार्दन लाड, ठीक है. मिस्टर राकेश मल्होत्रा, मिस्टर राकेश मल्होत्रा, हाँ पूछिए मिस्टर राकेश, यू आर देयर, गो अहेड, अनम्यूट योर सेल्फ एंड प्लीज आस्क. अनम्यूट योर सेल्फ सर. मिस्टर राकेश मल्होत्रा, कैन यू हियर मी? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. हेलो. ओके मिस्टर राकेश मल्होत्रा, विल टेक अप योर क्वेश्चन फर्स्ट. कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? हेलो यस मिस्टर हेलो राकेश मल्होत्रा, गो अहेड प्लीज, गो अहेड. हेलो हेलो हेलो. मिस्टर राकेश मल्होत्रा, प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेश्चन. हाँ सर, एसोसिएट मेंबर को जो कंसेंट लेटर लेना पड़ता है मैं कमिटी में अटेंड करने के लिए, तो जो कंसेंट लेटर है ओनली फॉर द वन मीटिंग और फॉर द ऑल मीटिंग अप टू जब तक प्राइमरी मेंबर वो कैंसिलेशन करता नहीं है उनका कंसेंट लेटर? ओके, अगर प्राइमरी मेंबर को एमसी मीटिंग की बात कर रहे हो कि एजीएम मीटिंग की बात कर रहे हो आप? ऑल मीटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट सर. ऑल मीटिंग का ना डिफरेंस है क्या हर एक हाँ, अभी अगर एसोसिएट मेंबर एमसी मेंबर है तो उसको प्राइमरी मेंबर का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही कंसेंट ले चुका है फॉर्म नंबर 10A भर के जब वो इलेक्शन लड़ा था. तो इन अदर वर्ड्स, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड करने के लिए प्राइमरी मेंबर का कंसेंट लेना जरूरी नहीं रहेगा. अब अगर वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर नहीं है लेकिन बाकी जनरल बॉडी की मीटिंग्स अटेंड करना है वगैरह, तो उस समय हर मीटिंग के लिए एसोसिएट मेंबर को प्राइमरी मेंबर से लेटर लेना होगा कि मैं अनिल शर्मा प्राइमरी मेंबर आज की मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगा, मेरा प्राइमरी मेरा एसोसिएट मेंबर अटेंड करेगा या मेरा ये फला फला ज्वाइंट मेंबर अटेंड करेगा. तो उस मीटिंग में वो स्पेसिफाई कर सकता है कि मेरे बिहाफ में मेरा एसोसिएट मेंबर अटेंड करेगा और किसी कारण उसका ज्वाइंट मेंबर एसोसिएट मेंबर अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो ही कैन ऑलवेज से कि मेरा ये सेकंड ज्वाइंट मेंबर है या थर्ड मेंबर, किसी को भी डेलीगेट कर सकता है. ओके ओके सर, और एक पूछूं क्वेश्चन, हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज. अ शॉर्ट क्वेश्चन सर. जैसे प्रोविजनल नंबर है और एसोसिएट नंबर है, एसोसिएट ने सिर्फ वो 12 कैटेगरी दी है, पर प्रोविजनल नंबर को ऐसे कोई भी कैटेगरी दी नहीं गई है, तो कोई भी प्रोविजनल नंबर हो सकता है. तो ऐसा कौन सा पावर है एसोसिएट नंबर को, उसके वजह से सिर्फ 12 को ही उन्होंने एसोसिएट नंबर बनाने को लिखा गया है?
जैसे मैंने बताया 154 बी में आप चेक कर लीजिएगा, अभी मैंने लेक्चर के दौरान वो पर्टिकुलर सेक्शन भी बोला। ओके सर। हाँ 154 बी 18 है, 154 बी 1 18 है, 154 बी 10 रीड कर लीजिएगा, एक सौ ओके चौपन बी डैश 10 और 154 बी-18 ओके इसलिए दिया हुआ है कि कौन कौन एसोसिएट मेंबर बन सकता है, करेक्ट। और और प्रोविजनल उसमें मेंबर का तो दिया नहीं है ऐसा कुछ। सर आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर, व्हाट द डिफरेंस, एसोसिएट मेंबर को इतना क्या पावर है दी है, इसके लिए उन्होंने लिमिटेशन रखा है उसे 12 मेंबर के लिए, और उनको प्रोविजनल मेंबर को ऐसा नहीं दिया है, तो ऐसा कोई सा पावर ज्यादा है प्रोविजनल सर से। क्या होता था कि 2019 के पहले वो अनिल शर्मा जो प्राइमरी मेंबर था वो नीचे पान खाने जाता था, दूध वाले के दुकान में जाता, तो उससे एकदम गहरी दोस्ती हो गई। और परिवार में कैसा है कि आपस के लोगों में ही बैर होता है, झगड़ा होता है, मन मुटाव होता है, नहीं पसंद आता है एक दूसरे को, तो अपने खुद के लोगों को एसोसिएट मेंबर ना बना के वो दूध वाले को एसोसिएट मेंबर बना देता था। ये उस समय का कानून था 2019 के पहले का, करेक्ट सर। तो वो मिसयूज होने लगा उस समय। ओके इसके लिए कानून में संशोधन करके ये बोला गया है कि भाई जो फैमिली मेंबर है सिर्फ उसी को एसोसिएट मेंबर बनाओ, क्योंकि ओके दूध वाला तो अगर वो हरकत करके गुजर जाता है, मरमुरा जाता है, भाग जाता है, रिजाइन कर देता है, तो उस पर कानूनी ओके कार्यवाही करना डिफिकल्ट होता था। लेकिन अगर परिवार वाला ही कोई गैर कानूनी काम और गुनाह करता है तो परिवार का जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ऑप्शन लाने में कोई रोक नहीं था सिविल एक्ट्स में। ओके ओके थैंक यू मिस्टर राकेश फॉर सर ज्वाइनिंग इन। सर सर प्रोविजनल नंबर, हेलो हाँ जी हेलो सर, प्रोविजनल नंबर दूध वाला हो सकता है, वो कमिटी में आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? लाइक दिस इज द माई मेन प्रॉब्लम सर। करेक्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन प्रोविजनल मेंबर आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। वो कानून में अभी तक वैसा संशोधन नहीं किया हुआ है। प्रोविजनल मेंबर का मतलब है ओके नॉमिनी, और नॉमिनी का मतलब आप किसी को यस भी अपॉइंट कर सकते हो। अभी यस सर तक वो यस संशोधन नहीं किया हुआ है, उम्मीद है कि आगे पीछे वो भी हो जाएगा। एक्सक्यूज मी ओके सर, थैंक थैंक्स अ लॉट। यू मिस्टर राकेश मल्होत्रा। एक्सक्यूज मी सर, थैंक्स सर, थैंक्स आई सर। वाज द फर्स्ट टू आस्क द क्वेश्चन बट इट वाज म्यूटेड। ओके मिस्टर शाह गो हेड प्लीज। एच के शाह या सर, द क्वेश्चन इज प्लीज। के ओके आई एम नॉट एबल टू सी योर वीडियो, कैन यू क्लियरिटी क्लियर अप दैट वीडियो प्लीज। सर माय कैमरा इज लिटिल बिट डिम। ठीक है ओके शाह साहब बोलिए। सर द क्वेश्चन इज के ड्यूरिंग द इलेक्शन इफ द एसोसिएट मेंबर्स आर प्रिवेंटेड टू वोट देन व्हाट शुड बी डन? आई मीन द इलेक्शन देयर इलेक्शन कैन बी वॉइड और सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड। प्रिवेंटेड टू वोट फॉर व्हाट रीजन सर जी, सॉरी किस कारण से उसको रोका जा रहा है? नहीं, ऑल एसोसिएट मेंबर्स वर प्रिवेंटेड टू वोट। ओके तो हाँ रिसेंटली देर वॉज अ इलेक्शन इन आवर सोसाइटी एंड ऑल एसोसिएट मेंबर्स वर प्रिवेंटेड टू वोट। ओके So, when that form E1, E2, E3 is prepared, when that provisional list of members are prepared, if the name of associate member does not appear in that, then they will be prevented from voting. अगर आप देखेंगे तो ऊपर नाम क्या लिखा रहता है, provisional list of voters लिखा होता है, ठीक है? राइट। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स नहीं लिखा हुआ है, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स नहीं लिखा, इट इज लिखा है वोटर्स। तो वोटर्स वो वोटर कौन हो सकता है वो आपको लिस्ट में देना पड़ेगा, अगर उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो वो हाँ वोट नहीं कर सकता। एक दूसरा, अगर हाँ वोटिंग के समय प्राइमरी मेंबर इलेक्शन ऑफिसर को ये बोलता है कि मैं मौजूद हूं यहाँ पे, मेरे बिहाफ में मैं वोट करूंगा, हाँ या मेरे बिहाफ में मेरा ज्वाइंट मेंबर वोट करेगा, ये उसका अधिकार लेटर है, तो जो प्राइमरी मेंबर बोलेगा उसी को वोट कास्ट करने का दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ओके बट सर, आई
I mean, there were no such situation because there are so many associate members and they all were prevented. I mean, it was a general principle that the election, they you know, committee, they made a rule. What you say has to be checked out on the document, whether that provisional list of voters mein associate member ke naam dale the ya nahi dale the. Agar dala tha, they were prevented. प्रोविजनल लिस्ट जो बनाता है वोटर का वो कौन बनाता है? सोसाइटी ऑफिस. अगर सोसाइटी ने रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं डाला हुआ है तो रिटर्निंग ऑफिसर का कोई दोष नहीं है उसके अंदर. अच्छा. क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स का बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के सेक्रेटरी को है. अच्छा, ठीक है ना, वो चेयरमैन भी नहीं बना सकता है. आप बायलॉ नंबर 131 भी अगर देखेंगे तो उसमें कई चीजें सेक्रेटरी का पावर्स के बारे में लिखा हुआ है. ओके. आप बोलोगे कि ट्रेजरर को बना दो, अथॉरिटी दे दो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेंडर्स बनाने के लिए, तो वैसा नहीं होता है ना. कानून कुछ दायरा दिया हुआ है. एनीवे, थैंक यू मिस्टर शाह फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू मिस्टर जनार्दन लाड, आर यू देयर? यस सर, आई एम देयर. Yes, please. Just I don't have any query. I got resolved from your answers, but I just wanted to be know that ki how can I join in regular intervals with your forums? I just wanted to be know that. You can send me a message, a WhatsApp message, not an SMS, on my number. I'll add you to the forums groups. Please, sir. In one of the groups. And in the forum, we always keep on advertising about our webinars. Typically, we hold it every Saturday and we send our invites on all the groups. Yes, sir. I already write in this chat box. I don't have your number. I got this invitation via someone else, but I don't have your numbers. You can take down my number, 9820-174-108. Yes. 9820. I'll put it in the chat box. I cannot repeat it because there are other friends also waiting. Yes, definitely. Please, sir, please do that. Thank you. Okay. So now we take in next question of Mr. Dharmesh Joshi. Good evening, sir. Am I audible? Yes, please. Mr. Joshi, go ahead. Yeah, thank you, sir. I would like to describe a situation in very short, and then please help me out with the remedy for it. Before this 2019 amendment for the associate member being, you know, defined properly, a member of the society passed away and his son applied to the society to have his name, the son's name, to be added into, possibly mentioned in the register, share certificate. Along with that son, his wife was also placed as the name. However, the son's name was added as a primary member, but the wife's name was added as an associate member. Now, because 2019 has changed the definition of associate member, as I understand, the wife now cannot claim any title on demise of her husband, that is the son of the deceased member. In that case, what is the remedy for the wife or for the son? Can they apply to the society to replace that name of wife from associate member to joint member? This is my query, sir. Okay. I hope I was clear about the situation. The deceased member has died without making a will. Am I correct? That is true, sir. Okay. So if the deceased member has died without making a will, then the society cannot admit the wife or the son or anybody in any type of membership. They have to get a court decree for it, or either they have to execute what is mutually execute between the class one legal heirs. They have to execute what is called as a registered release deed. जब तक ये सारा नहीं होता है तो जो membership grant किया हुआ है वो सब title और membership defective रहेगा. ओके,
Okay, so then only after the release, the, and suppose that son is the only person, there is no other heir, he is the sole heir. सर जी, हमने नॉमिनेशन के ऊपर एक वेबिनार किया हुआ है, हमने सारा डिटेलिंग कर दिया, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए और बाकी दोस्तों की जानकारी के लिए भी ये बता दें कि हम ये कहते हैं कि उसका अकेला बेटा है, लेकिन 5 साल के बाद में एक और बेटा आ जाता है, तो वो बोलता है मैं भी इसका बेटा हूँ। ठीक है ना, तो ये डिटरमाइन करने के लिए जो अधिकार है, पावर है, वो सिर्फ कोर्ट को है, और प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ करने के बाद ही ये प्रोसीजर डिस्क्राइब हो सकता है। एनीवे, ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। थैंक यू मिस्टर जोशी। मिस्टर प्रसाद सरघारे, मिस्टर प्रसाद सरघारे, हेलो हेलो, बोलिए प्रकाश जी, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते, प्रशांत सातगुरे। अच्छा सर, आमच्या सोसायटीमध्ये एसआरई सोसायटी आहे आणि वडिलांचं सिंगल होल्डर आहे, मुलांनी मुलाला सोसायटीने जॉईंट मेंबर, असोसिएट मेंबर बनवलं, सिंगल होनर आहे वडील त्याचा, आणि मुलाला सोसायटीने जॉईंट मेंबर बनवून, सॉरी असोसिएट मेंबर बनवून सेक्रेटरीचं एक्सपायर झालेलं होतं, डेट झाली होती, आणि लगेच त्याला अपॉइंट केलं सेक्रेटरी एमसी मॅनेजिंग कमिटीने। हे योग्य आहे, बरोबर आहे का त्यांचं केलेलं चूक आहे? बरं, तुमचं असं क्वेरी आहे की ते जे ओरिजिनल मेंबर आहे, फॉर एक्झाम्पल अनिल शर्मा ओरिजिनल मेंबर आहे, सिंगल होल्डर आहे, ते जिवंत आहे, ते जिवंत आहे। ओके, तर त्यांनी जर फॉर्म नंबर 7 भरून आणि 100 रुपये भरून सोसायटीमध्ये अर्ज केला असेल की हे माझा मुलगा आहे, हे फॉर्म घ्या, हा 100 रुपये घ्या, ह्याला असोसिएट मेंबर बनवा, जर हा दिलेला असेल तर ते मॅनेजिंग कमिटीचे मीटिंग मध्ये अप्रूव्ह होणार पहिला, अप्रूव्ह झाल्यानंतर त्याला असोसिएट मेंबरशिप ग्रँटचं लेटर देणार, नंतर असोसिएट मेंबर आयदर ही विल बी कोऑप्टेड, त्याला सेक्रेटरी होऊ शकतो का? होऊ शकतो, सेक्रेटरी पण होऊ शकतो, चेअरमॅन, ट्रेजरर, काय पण होऊ शकते, पण विथ द कन्सेंट ऑफ द प्रायमरी मेंबर ओनली। पण इन एसआरए केस सुलम देयर इज नो प्रॉब्लेम, वन्स अ मेंबरशिप इज देयर एमसीएस ऍक्ट विल बी ऍक्टिव्ह, नो एसआरए केस मध्ये काही एसआरए मध्ये डिस्क्वालिफाईड केले त्याला, नाही डिस्क्वालिफाय एमसीएस ऍक्ट मध्ये प्रोव्हिजन नाहीये, पण एसआरए मध्ये जर फ्लॅट वगैरे इलिगली ट्रान्सफर केलं असेल तरच डिस्क्वालिफाय होऊ शकतो, आणि त्यांनी स्पेसिफिकली सांगितलं हिअरिंग मध्ये की एसआरए ला आणि म्हाडाला हे सर्क्युलर लागू होत नाही। एसआरए किंवा म्हाडाने काय विचित्र ऑर्डर काढलेलं असेल, सर्क्युलर काढलं असेल, तर ते माझ्या ध्यान मध्ये नाहीये साहेब, कारण की ते सांगतात की जर कुठलंही पोस्ट खाली झालं असेल, समजा सेक्रेटरी एक्सपायर झालं, ती पोस्ट खाली झाल्यानंतर तुम्ही एक इलेक्शन घेऊन ती पोस्ट भरायची असते, इलेक्शन मध्ये करायला परवानगी नसते, कोऑप्शनला म्हणून कोऑप्शनचा दिलेला आहे, ते बायलॉ इलेक्शन म्हणतात, ते बाय इलेक्शन म्हणतात, ते हाऊसिंग सोसायटी मध्ये ऍप्लिकेबल नाहीये, 5 वर्षामध्ये एकच एकदा इलेक्शन होते, मध्ये कोणाला जागा भरायची असेल तर परत इलेक्शन करायची प्रोव्हिजन नाहीये एमसीएस ऍक्ट मध्ये किंवा एमसीएस रूल्स। सर, 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 सर। मिस्टर प्रशांत आर यू स्टील देअर? ओके 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 ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेमंत सर, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मॅम, पुट युअर क्वेरी, पुट युअर, वी हॅव अदर मेंबर्स, वील टेक अप युअर क्वेश्चन आफ्टर दॅट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर प्रशांत, नो अदर क्वेश्चन बाय यू? हॅलो, ओके, नेक्स्ट, नो अदर क्वेश्चन बाय यू मिस्टर प्रशांत, करेक्ट? ओके, थँक यू मिस्टर प्रशांत फॉर जॉइनिंग इन। मिस्टर एम एच कापडिया, मिस्टर एम एच कापडिया, येस प्लीज, कॅन यू हिअर मी? येस प्लीज, गो अहेड। सी, माय क्वेश्चन इज दॅट नाऊ आफ्टर 19, the associate member and joint member are separately notified or defined. Now, can a joint member
automatically stand for election if the primary member is not standing, or he has to become an associate member? No, I lectured just now ki a joint member cannot become an associate member, and an associate member cannot become a joint member. So he can automatically, if at all an associate member or a joint member wants to stand for elections, then they have to take consent under form number 10A, bylaw ka form number 10A. Uska signature lagega primary member ka, aur primary member decide karega ki main mere associate member ko election ladne du ya mere joint member ko election ladne du. Okay. And secondly, see, there is a flat where A is a primary member, B was also a joint holder, and previously before 19, that second holder was appointed as an associate member and became a committee member. Now, that associate member who had become a committee member has been disqualified to stand for election for 5 years. According to me, it would also devolve on the primary member. Am I right or am I wrong, sir? Yeah, you are right. Associate member, if he is debarred, then it affects the primary member. 154B 7 में देख लीजिए, जो गलती उसके associate member ने किया, उसकी सजा equally primary member को भी भुगतना होगा. ठीक है? Thank you. Next question is by Kanchan Sonawane. हेलो. यस मैम. नमस्कार सर. नमस्कार मैम. सर ते एक प्रश्न होता बघा की असोसिएट मेंबर ते कॉप करतात, आता त्यांनी विचारलेला मॅनेजिंग कमिटी मध्ये त्याचे इलेक्शन करायचं असतं कॉप करण्यासाठी एसआरएचा, तर त्या संदर्भात ना माझ्या माहितीप्रमाणे एप्रिल 2022 चा एक ना परिपत्रक आहे, त्याच्यामध्ये असं लिहिलंय की कुठलाही पदाधिकारी ने रेझिग्नेशन दिलं असेल तर ते रेझिग्नेशन एक्सेप्ट झाल्यानंतर प्रॉपर प्रोसिजर प्रमाणे इलेक्शन करायचे, एका दिवसाचा प्रोग्राम लावून आणि त्याप्रमाणे ते पदाधिकारी निवडायचे, असं एक आहे. मला पण नक्की कन्फर्म माहिती नाही आहे. माझ्या नॉलेजमध्ये असं सर्क्युलर किंवा जी आर वगैरे असेल तर नाही आहे ते माझ्या लक्षात. आपला कुठला फ्रेंड ध्यानात असेल, कोणाला आहे का असं लक्षात? प्राधिकरणाच आहे, निवडणूक प्राधिकरणाच आहे. मी शेअर करेल आपल्याला. सॉरी रेवंत सर, डिस्टर्ब करतो की त्या नैमित्तिक रिक्त पद, त्याचं हे सब्जेक्ट असं आहे, नैमित्तिक रिक्त पद भरण्याबाबत सर्क्युलर केलं तर बरोबर. सर्क्युलर आमच्याकडे नाहीये, माझ्या ध्यानात नाहीये, आणि हा असं इलेक्शन परवानगी एमसीएस इलेक्शन रुल्स मध्ये पण प्रोव्हिजन नाही दिलेला आहे. इलेक्शन रुल्सच्या सरकमेंट करताना किंवा साइड मध्ये करून त्याचे सर्क्युलर काढायला पण इलिगल असेल. ते इलेक्शन रूल अपेंड करा आणि मध्ये असेल ते करा. मध्ये सर्क्युलर काढला तर ते सर्वांना माहीत नसतो, आणि जसं मला माहित नाहीये तसं सर्क्युलरला पण काही लीगल व्हॅल्यू नसेल. ओके सर. ओके, थँक्यू मिस कंचन. ना ना, माझे प्रश्न आहे. आय हॅव टू क्वेश्चन सर. ओके, गो अहेड. हा, असोसिएट मेंबर इज अ मॅनेजिंग कमिटी मेंबर अँड इवन चेअरपर्सन. सो माय क्वेश्चन इज, कॅन ही गिव्ह कन्सर्न अबाउट आरडी 79A प्रोसेस? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट अस टेक दिस फर्स्ट क्वेश्चन. आरडी रिलेट्स टू व्हॉट? इज इट टू युअर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑर टू द सोसायटीज प्रॉपर्टी? सोसायटी रिडेव्हलपमेंट. 79A for redevelopment, of the society's property, a chairman, secretary, treasurer can sign, provided they have been delegated authority during the redevelopment meeting. General body meeting करतात जेव्हा तुम्ही, आप जेव्हा तो जब उसके अंदर power delegate करते हैं कि किन किन अधिकारी को redevelopment society के redevelopment agreement को sign करने का अधिकार है. लेकिन उस पर्टिकुलर फ्लैट 101 के बिहाफ में जो आप एसोसिएट मेंबर बने हैं, उसका जब एग्रीमेंट बनेगा, इंडिविजुअल एग्रीमेंट बनेगा, तो वो एसोसिएट मेंबर उस एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर पाएगा.
ओके हाँ ये आपने बताया था. हाँ और दूसरा प्रश्न. और दूसरा है कैन मैनेजिंग कमिटी कैंसिल एसोसिएट मेंबरशिप बाय पासिंग रेजोल्यूशन. वेल मैनेजिंग कमिटी हैज गॉट, ये भी मैंने बता चुका हूँ लेकिन फिर भी रिपीट करते हैं कि एसोसिएट मेंबर को अपॉइंट करने का वो उसको निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेंबर का है या टाइटल जिनके है. और अगर एसोसिएट मेंबर को सोसाइटी से निकालना है तो उसको रजिस्ट्रार के पास में हियरिंग देनी पड़ेगी या कोऑपरेटिव कोर्ट में 91 के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोसेस पूरा हो सकता है. लेकिन निकालने का और जोड़ने का काम, अर्जी देने का, निकालने का और जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेंबर का है, सोसाइटी का नहीं हो सकता. ऑफकोर्स लेकिन अगर वो मैनेजिंग कमिटी मेंबर बना हुआ है और एसोसिएट मेंबर सोसाइटी में न्यूसेंस कर रहा है, मारपीट कर रहा है, यू नो जो टिपिकली हर सोसाइटी में करते हैं, दारू वगैरह होती है, लड़ाई झगड़ा होता है वगैरह वगैरह, अगर ऐसा है तो मैनेजिंग कमिटी मेंबर है तो उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन से उसको हटाया जा सकता है. Okay. लेकिन एसोसिएट मेंबरशिप से नहीं हटेगा, वो मैनेजिंग कमिटी के से हट जाएगा वो. ओके okay. और कोई प्रश्न मैम? ना ना. प्राइमरी मेंबरला जर काही पनिशमेंट झाली असेल 5 वर्ष डीबारची तर ती असोसिएट मेंबरला किंवा जॉईंट मेंबरला पण लागू होते ना, ते इलेक्शन लढू शकत नाही ना परत. जर प्राइमरी मेंबर डीबार झाला तर त्यांचे सर्व राईट्स कॅन्सल होते. अच्छा. आणि ते फॉर्म नंबर 10A टू अपॉइंट असोसिएट मेंबर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ते पण भरू शकत नाही, कारण की प्रायमरी मेंबर असोसिएट मेंबरचे हक कुठून येते, अथॉरिटी कुठून येते, ते प्रायमरी मेंबर वरून येते. म्हणजे काय, ते आपण म्हणतो ना की लॉचे सरकमेंट करतात की ठीक आहे मी डिबार झालो तर मी कोणाला असोसिएट मेंबर अपॉइंट करतो तो लढेल, पण माझ्या फ्लॅट नंबर वरून कोणा कोणी कोणीतरी मॅनेजिंग कमिटी मध्ये असायला पाहिजे. तसं ते सरकमेंट जे कानूनचे लूपहोल आहे ते आपण करू शकत नाही. जर प्रायमरी मेंबर डीबार झाला किंवा जर असोसिएट मेंबर मॅनेजिंग कमिटी मध्ये राहताना डीबार झाला तर तो प्रायमरी मेंबर सुद्धा डीबार झाला असं समजून त्याला पुढच्या इलेक्शन लढता येणार नाही. थँक्यू सर. ते सेक्शन 154B7 मध्ये रेफर करा, ते तुम्हाला दिसेल साहेब ते. ओके ओके सर. थँक्यू सर. थँक्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय नेहा. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर. एक प्रश्न असा आहे, समजा प्रायमरी मेंबरची डेथ होते तर जास्त अपर हँड म्हणजे कोणाला असते, जॉईंट मेंबर का असोसिएट मेंबर, बट बोथ आर फॅमिली मेंबर अँड ब्लड रिलेटेड टू द प्रायमरी मेंबर. बर, असं आहे की प्रायमरी मेंबर आणि जॉईंट मेंबर, एक उदाहरण के तौर पे ले लो ऐसा की प्रायमरी मेंबर हस्बंड है और जॉईंट मेंबर वाइफ है, ठीक है, और सेकंड जॉइंट मेंबर भी, उसका बेटा भी है, तो प्रॉपर्टी में तीनों का इक्वल हक है 33.33%. ओके, तो प्राइमरी मेंबर गुजर गया, अब प्राइमरी मेंबर का जो प्रॉपर्टी का हक है 33.33%, वो उसकी वाइफ यानी सेकंड जॉइंट होल्डर या थर्ड जॉइंट होल्डर ये नहीं बोल सकती है कि मेरा ही तो पति था, उसका हक तो मुझे ही आना था ना, ऐसा नहीं बोल सकते जब तक कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो. वसीयत होना चाहिए, तब तक उसकी वाइफ और उसका बेटा यानी बाकी जॉइंट होल्डर्स या बाकी कोई क्लास वन लीगल हायर्स उसके प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते. सिमिलरली जॉइंट मेंबर व सेकंड जॉइंट मेंबर सोसायटीचा प्राइमरी मेंबरशिप क्लेम नाही करू शकत. अगर जर सुनीता शर्मा इज अ जॉइंट मेंबर, शी विल रिमेन जॉइंट मेंबर हमेशा के लिए परमानेंटली. जॉइंट मेंबर एकच आहे, बाकी कुठला लीगल मेंबर नाही, तर ते ऑटोमॅटिकली प्राइमरी होऊ शकतं का इनकेस ऑफ? नो मेंबर, नो मॅडम. प्रायमरी मेंबर हक जे आहे ते प्रायमरी मेंबरच राहणार. सेकंड जे जॉईंट मेंबर आहे त्यांची लेटर से वाईफ आहे, ती कायमची जॉईंटच मेंबर राहणार, अनलेस अँड अंटिल द विल
of the deceased is given in favor of the wife, and that will is activated via a probate if the property is in Mumbai, or via a letter of administration, or via a settlement deed, or via a release deed amongst the class 1 legal heirs. आपोआप काहीच नाही होणार मॅडम, आपोआप काहीच नाही होणार. सो विल इज कंपल्सरी सर? नॉट नेसेसरी. अभी आदमी कई बार होता है गुजर जाता है, बगैर वसीयत बनाए हुए गुजर जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में या इग्नोरेंस में, जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो परिवार में डिस्प्यूट्स होते हैं कि मेरा कितना, मेरा कितना, मेरा कितना. अगर विल लिखा है तो विल में लिख दिया जाता है कि भाई अनिल को इतना मिलेगा, सुनील को इतना मिलेगा, और इस रमेश को इतना मिलेगा. और जब नहीं लिखा हुआ है तो रमेश बोलता है कि मेरा ही पूरा है. और उसको साबित करने के लिए या डिस्प्यूट को लड़ने के लिए या समझने के लिए फिर कोर्ट, सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट या पार्टीशन सूट या सिविल सूट डालना पड़ता है क्लेम्स के लिए. और अगर आपस में सहमति है तो आप रिलीज डीड एग्जीक्यूट कर लो, और अगर आपस में सहमति है और घर में पैसा है तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले आओ, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का टाइटल लाना का काम सिर्फ रिलीज डीड कर सकता है, प्रोबेट कर सकता है, या तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है. बाकी अगर परिवार के बाकी लोग भी सहमति से तो सेटलमेंट डीड भी. चारों चीज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. सेटलमेंट डीड और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबेट एले मतलब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीज डीड या सेटलमेंट डीड या कोर्ट का और कोई डिग्री. ठीक सर, आपका मेल आईडी मिल जाएगा सर आपका? सर खाली प्रश्न पीछे पर्सनल कुछ भी क्वेश्चन मत पूछिए आप. मेरा आप वेबिनार के इनवाइट में देखेंगे तो टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, और मिल जाएगा आपको. आप व्हाट्सएप कर देंगे तो दे देंगे, बाकी फ्रेंड्स डिस्टर्ब होंगे इसके लिए मैं आपका प्रश्न ही नहीं ले रहा हूँ. थैंक यू सर. चलेंगे. ओके थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय फ्रांसिस मेनेजिस. फ्रांसिस मेनेजिस, आर यू देयर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय दरियाशील, डॉक्टर दरियाशील शितोले. डॉक्टर दरियाशील शितोले, गुड इवनिंग सर, बोलिए. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर प्राइमरी मेंबर एक फैमिली मेंबर को एसोसिएट मेंबर बनाता है. सर आपकी आवाज क्रैकल हो रही है. फैमिली मेंबर वी लॉस्ट योर वॉइस सर. नहीं देखे अब्रॉड चला जाता है. पी आ रहा है सर आपका? नहीं आप हेलो, फिर से पूछिए. हाँ पूछिए, फिर से पूछिए. अच्छा हाँ, एक प्राइमरी मेंबर जो एक फैमिली मेंबर को एसोसिएट मेंबर बनाता है और नॉन फैमिली मेंबर के पास फुल पावर ऑफ अटॉर्नी देता है और अब्रॉड चला जाता है, तो जो भी एसोसिएट मेंबर डिसीजन लेता है यहाँ पे उस पे ऑब्जेक्शन फुल पावर ऑफ अटॉर्नी वाला पर्सन ले सकता है क्या? इन द मतलब प्राइमरी मेंबर जिंदा हो तो भी, और अगर प्राइमरी में अंदर किसी वजह से विल बनाए बिना मर जाता है अब्रॉड में या फिर गुजर जाता है तो एसोसिएट मेंबर के सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे, तो पावर ऑफ अटॉर्नी वाला है वही आ सकता है या फिर जॉइंट मेंबर वहां पे डिसीजन ले सकते हैं? ऐसे दो क्वेश्चन थे. अगर टेक्निकल क्वेश्चन है पर आप ऐसा सुनिए कि एक आदमी को एसोसिएट मेंबर बनाया हुआ है और दूसरे व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनाया हुआ है, तो एसोसिएट मेंबर तो प्राइमरी मेंबर ने बनाया हुआ है, तो एसोसिएट मेंबर का सारा राइट वो प्राइमरी एसोसिएट मेंबर वो करेगा अपना. अब पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट में अगर ये लिखा हुआ है, क्लॉज में एक ये क्लॉज भी लिखा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन रिमूव और अपॉइंट एसोसिएट मेंबर, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उस एसोसिएट मेंबर को विड्रॉ करने का उसके पास अधिकार है. एक तो ये हो गया. तो अगर उसने विड्रॉ कर लिया तो जो एसोसिएट मेंबर ओरिजिनल प्राइमरी मेंबर बना के गया है और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर प्राइमरी मेंबर का जो पीओए होल्डर है उस अधिकार से उस एसोसिएट मेंबर को वो कैंसिल भी कर सकता है. अब दूसरा प्रश्न ऐसा है कि प्राइमरी मेंबर गुजर गया
प्राइमरी मेंबर के गुजरने के बाद में एसोसिएट मेंबर को जो अधिकार था वो खत्म हो जाता है, और जो पावर ऑफ होल्डिंग पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर को जो पावर ऑफ अटोर्नी दिया था वो भी खत्म हो जाता है। टोटल इन ऑल इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी मेंबर गुजरा तो उसके सारे अधिकार जिस जिनको दिए हुए हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है सर, अगर पावर ऑफ सॉरी प्राइमरी मेंबर जिंदा है और वो अब्रॉड में, फिर भी अगर पावर ऑफ अटोर्नी में लिखा है कि सारे अधिकार पावर ऑफ अटोर्नी के मेंबर को है, तो वो पावर ऑफ अटोर्नी मेंबर एसोसिएट मेंबर के डिसीजन को रिजेक्ट कर सकता है? रिजेक्ट नहीं, उसको या तो रिमूव करने का क्लॉजेस के ऊपर है। अगर पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर को सारे जनरल पावर्स भी दिए हुए हैं जिसमें ये भी लिखा है कि टू अपॉइंट और टू रिमूव एसोसिएट मेंबर, तो पावर ऑफ अटोर्नी उस मेंबर को रिमूव कर सकता है और खुद पावर ऑफ खुद एसोसिएट मेंबर बन सकता है, या उसी के परिवार में से और किसी को भी एसोसिएट मेंबर बना सकता है। That will depend on the clauses of the power of attorney. Any other questions, sir? Yeah, no. और एक question था जो पहले एक member ने अपने पूछा था कि abroad में अगर primary member है तो associate member अगर MC member नहीं है तो उसको हर एक meeting attend करने के लिए इसका permission मतलब consent लेना पड़ेगा, consent letter। तो वो through email चल सकता है या फिर physical copy लगेगा? और उसकी भी जरूरत नहीं है, वो प्राइमरी मेंबर एक कॉमन लेटर लिख सकता है कि मैं इतने समय के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मेरे हर मीटिंग पे मैं मेरे एसोसिएट मेंबर को अटेंड करने का अधिकार देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर फ्रांसिस मेनेजेस, आर यू देयर? मिस्टर फ्रांसिस मेनेजेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर शरद पवार। गुड इवनिंग सर। तीन क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन, आपने बताया था कि एसोसिएट मेंबर्स कोई केस फाइल नहीं कर सकते, बट ही कैन डू द कंप्लेंट टू रजिस्ट्रार ऑफिस। एसोसिएट मेंबर सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के अंदर के अधिकार को एक्सरसाइज कर सकता है, सोसाइटी के बाहर के अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए एसोसिएट मेंबर को प्राइमरी मेंबर का पीओए होल्डर बनना पड़ेगा। लिमिटेड पावर्स है, एसोसिएट मेंबर को लिमिटेड पावर दिया हुआ है। थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन, कॉन्टेस्ट और इलेक्शन में मीटिंग अटेंड कर लो, मैनेजिंग कमेटी मेंबर बन गए तो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर को जो अधिकार है वो सारा कर सकता है, अगर वो चेयरमैन है मानो और सोसाइटी ने उसको अधिकार दिया कि भाई ये केस करो तो वो कर सकता है, लेकिन प्राइमरी मेंबर के बिहाफ में केस करने का अधिकार एसोसिएट मेंबर को नहीं है जब तक एसोसिएट मेंबर के पास पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं हो करके। लेकिन एसोसिएट मेंबर के बिहाफ में वो भाड़ा भर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, जीबी की प्रश्न उत्तर कर सकता है वगैरह वगैरह। प्राइमरी मेंबर इज आस्किंग इट एक्चुअली नॉट द एसोसिएट मेंबर, ही इज आस्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइमरी मेंबर, एंड इफ द प्राइमरी मेंबर कैन आस्क डेटा फॉर द लास्ट 20 इयर्स देन व्हाई नॉट। इलेक्शन में समझो एसोसिएट मेंबर भी है और प्राइमरी मेंबर्स भी है, ओके, तो कमिटी फॉर्म करने का जब टाइम आता है, हाउ मेनी एसोसिएट मेंबर्स कैन बी पार्ट ऑफ दैट कमिटी? कि फर्स्ट प्रेफरेंस प्राइमरी मेंबर्स को रहेगा क्या, एसोसिएट मेंबर को भी रहेगा? नहीं, अभी फ्लैट नंबर 101 में अनिल शर्मा रहते हैं, उसने सुनील शर्मा अपने मिस्टर फ्रांसिस मेनेजेस प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। यस, सो फ्लैट नंबर 101 में अनिल शर्मा रहते हैं, उन्होंने सुनील शर्मा अपने बेटे को एसोसिएट मेंबर बना दिया। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स में प्राइमरी मेंबर का भी नाम आएगा और एसोसिएट मेंबर का भी आएगा। प्राइमरी मेंबर फॉर्म भरेगा तहां तक ठीक है, और अगर बाकी ज्वाइंट मेंबर को अगर फॉर्म भरना है
तो फॉर्म नंबर 10A प्राइमरी मेंबर के सिग्नेचर पे लेके भरा जाएगा वो, तो एसोसिएट मेंबर या उसका जॉइंट मेंबर इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसे कितने ही मेंबर्स कर सकते हैं उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। हर फ्लैट का एसोसिएट मेंबर रजिस्टर्ड एसोसिएट मेंबर है, तो हर फ्लैट के रजिस्टर्ड एसोसिएट मेंबर इलेक्शन लड़ सकते हैं, और आपकी मैनेजिंग कमेटी पूरे एसोसिएट मेंबर्स की ही हो सकती है, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन फॉर्म नंबर 10 है, फॉर्म नंबर 7 एसोसिएट मेंबर का और 100 रुपए का फीस सोसाइटी के बैलेंस शीट और रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। फॉर्म नंबर 10A हर प्राइमरी मेंबर का सोसाइटी के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, और इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर का सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए कि मैं सुनील शर्मा को इलेक्शन में विक्टोरियस घोषित करता हूँ। ऐसा ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप करिए जो मर्जी है वो। ओके, दैट मींस अगर 10 लोगों का कमिटी है तो 10 के 10 एसोसिएट मेंबर कमिटी में आ सकते हैं। यस, प्रोवाइडेड जो मैंने अभी आपको बताया वो। हां तो बताओ उसके लिए भी ऐसा कोई प्राइमरी वाला ऑब्जेक्शन नहीं लेगा ना? मैं प्राइमरी वाला हूं तो मेरे को पहला प्रेफरेंस दो, बाद में एसोसिएट को दे दो, दैट शुड नॉट बी केस, राइट? प्राइमरी मेंबर ने, आप दूसरे फ्लैट के प्राइमरी मेंबर का बोल रहे हैं? यस यस, समझो 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, वोटिंग के ऊपर है, वोटिंग के ऊपर जो मेजॉरिटी वोट में रहेगा उसके हिसाब से, अगर मेजॉरिटी 10 के 10 एसोसिएट फर्स्ट आ गए तो दे कैन बी कमिटी मेंबर। यस, परफेक्टली लीगल। ओके, थैंक यू, थैंक यू मिस्टर पावर फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू मिस्टर फ्रांसिस मेनेजेस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मिस्टर फ्रांसिस मेनेजेस। यस सर, रिगार्डिंग एसोसिएट मेंबर द फॉर्म नंबर 7, it is mentioned that there is a lot of background noise from your side. Okay, next question is by Mr. Paresh Shah. Mr. Paresh Shah. Yes sir, thank you so much sir. Good evening sir. Acha sir, last time when I had said ki suppose the managing committee, despite of having, I just brought to their notice that they are doing incorrect things by selecting the, I mean accepting the proposal of the secondary holder of appointing her husband as the the associate member. Suppose they have, I mean, and the honorary secretary said no, he is correct, and he passes the resolution in the managing committee also. So, and they have done an illegal act. Now, where should I redress about the issue, sir? अगर इलीगल एक्ट है तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को पास फाइल करो, और अगर क्रिमिनल एक्ट है तो लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट पुलिस एफआईआर करो। क्रिमिनल एक्ट कैसे हो सकेगा सर? मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, द बाय द सेकेंडरी मेंबर को, सेकंड जॉइंट मेंबर को, एसोसिएट मेंबर को अपॉइंट करने का अधिकार नहीं है जब तक फर्स्ट में प्राइमरी मेंबर अपॉइंट नहीं कर देता। तो फर्स्ट ने खुद के उसके ब्रदर इन लॉ का अपॉइंट किया है and NOC दिया है, and the second holder happens to be the sister, उसने अपने husband को appoint किया है, and the managing committee is ignoring the fact brother-in-law का provision नहीं है ना उसको, लेकिन brother-in-law का appoint करने का हाँ, तो वो बोलता है कि husband है ना, ऐसा करके वो act में दिया नहीं ना brother-in-law का word। हाँ बात सही है सर, but वो बोलता है कि joint member का husband है, इसके लिए we are doing it। ऐसा ठीक है, that is what is called as misrepresentation. Misrepresentation, that's right. Yeah. So you can file an FIR also for that purpose. Police वाला FIR नहीं लेगा, तो private criminal complaint कर दो. Okay. Operative को ये बोलो कि इसको ये form nullify करे, deputy registrar को बोलो कि इसका appointment को nullify करे, क्योंकि provision नहीं है उस act में. Typically आपका काम deputy registrar के office में हो जाना चाहिए. All right, sir. Thank you so much. Appreciate. Thank you, Mr. Shah. Thank you. Mr. Francis, are you ready? A disturbance is there, disturbance. Background disturbance is there. Okay. Swapna Raut, आपका प्रश्न पूछिए. Swapna Raut. Swapna Raut, madam, are you there? Hello. हाँ मैम, पूछिए, आपका प्रश्न पूछिए। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक तो है कि जो एसोसिएट वीडियो ऑन करने का, ट्राई करिए मैडम। हेलो। हाँ मैडम पूछिए। हाँ मेरा दो क्वेश्चन है सर, एक तो है कि एसोसिएट मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट में आ सकता है क्या?
अदर देन जॉइंट मेंबर नहीं, वो 154 बी 18 में लिखा हुआ है 154 बी कि उनका नाम शेयर सर्टिफिकेट में नहीं आ सकता है। 154 बी 18 में है या 154 बी 11 में है, वो चेक करने वाली बात है। ओके सर, मैं चेक कर लूंगी। और सर मुझे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी अभी एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर है, तो उसका एसोसिएट मेंबर का जो फॉर्म नंबर 7 होता है वो किसी एमसीएम में पास नहीं हुआ है। अभी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इलेक्शन लेना चाहता है, तो क्या वो एसोसिएट मेंबर इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है? वेल, आप प्राइमरी मेंबर को क्या करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर को अधिकार नहीं है मेंबरशिप मेंबरशिप किसी को प्रदान करने का, ना इधर फ्लैट मेंबरशिप ट्रांसफर करने का। तो अब आपको क्या करना है कि 154 बी 27 में डेप्यूटी रजिस्ट्रार को एक अर्जी कर दो कि मैं प्राइमरी मेंबर हूँ या एसोसिएट मेंबर है, ये चेक है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड है सोसाइटी में, उसको निर्देश दिया जाए कि ये मेरा फॉर्म को एग्जीक्यूट करके इसको एसोसिएट मेंबर अपॉइंट कराया जाए। उसके डायरेक्शन में एडमिनिस्ट्रेटर उस एसोसिएट मेंबर को अपॉइंट कर देगा और वो प्रोविजनल वोटर लिस्ट में उसका नाम अपने आप आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। दूसरा क्या प्रश्न है आपका? वही, ये मेरा शेयर सर्टिफिकेट का था और ये था, दोनों हो गया सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम। अगला प्रश्न है अरुण एस। अरुण एस, मिस्टर अरुण एस, आर यू देयर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय इरशाद शेख। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। हेलो मिस्टर अरुण, आई कम बैक टू यू आफ्टर 5 मिनट्स। आई कम बैक टू यू। दिस इज अरुण हियर। मिस्टर अरुण, आई कम बैक टू यू आफ्टर 5 मिनट्स। ओके ओके, बिकॉज़ माय नेम वाज। ओके ओके, मेरा क्वेश्चन है सर, हमारी सोसाइटी में एक जो कमेटी मेंबर है प्रीवियस टू इलेक्शन, उसके नाम पे फ्लैट नहीं था, देन ये इलेक्शन में उसने अपनी वाइफ से 50% शेयर लिया है एंड ही कंटेस्ट द इलेक्शन एंड नाउ ही बिकम द पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंस फ्लैट के ऊपर लोन है और शेयर सर्टिफिकेट भी सबमिट नहीं किया है, सो इन दैट केस क्या वो ही इज एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी? अभी प्रश्न आपका ऐसा है कि वाइफ के नाम पे फ्लैट था, वाइफ ने और फ्लैट मॉर्गेज था, लोन पे था, लीन पे था, लेकिन मॉर्गेज के होते होते उन्होंने अपना 50% प्रॉपर्टी हस्बैंड को गिफ्ट कर दिया, ये प्रश्न है आपका? यस सर, यही यही यही। ओके, वेल, मॉर्गेज के रहते रहते प्रॉपर्टी ना सेल कर सकते हो, ना गिफ्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो जब तक बैंक का एनओसी नहीं लोगे आप तब तक। प्रोसीजर करना उसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर है उसमें, वो होने के बाद में। और अगर ऐसा गैर कानूनी हुआ है तो बैंक को कंप्लेंट करो कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो नलीफाई हो जाएगा और वो आदमी मैनेजिंग कमेटी में नहीं आ सकता है, क्योंकि सोसाइटी ने अंडरटेकिंग दिया होगा ना, सोसाइटी ने अपने मॉर्गेज रजिस्टर में लीन मार्क किया होगा और सोसाइटी बैंक को एनओसी देने के टाइम पे ये लिखा जाता है कि मैं इसका ट्रांसफर नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। वो बैंक को अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी आपने किसी को ज्वाइंट मेंबर बना लिया, वो गैर कानूनी है। सो सर, थैंक्स सर। इसका जो कंप्लेंट है, आई नीड टू डू बैंक में और एल्स आई हैव टू डू रजिस्ट्रार के पास जाना इस रिलेटेड? इसका कंप्लेंट आप दो तीन जगह कर सकते हो, एक तो बैंक में तो पक्का ही करना है, एक रजिस्ट्रार को करना है कि सोसाइटी ने गैर कानूनी काम किया है, सेक्शन 146 में चेक कर लीजिए और एक 146 में, कई सेक्शन है उसमें देखिए कि सोसाइटी ने फ्रॉड कैसे किया हुआ है। टिपिकली इट शुड बी 146 एम होना चाहिए या पी होना चाहिए, देख लीजिएगा, और पुलिस में भी फ्रॉड का कंप्लेन कर सकते हैं आप। थैंक्स सर, थैंक्स थैंक्स फॉर दिस। थैंक यू मिस्टर शेख। मिस्टर अरुण एस, यस सर, गुड इवनिंग।
Sir, just wanted to ask you that associate member, once he's elected into managing committee, he can also become an office bearer, right? Yes, sir. But in the, you know, some people are having a doubt because nowhere in the bylaws it is mentioned that he can also become an office bearer, you know, expressly. Yeah. So can you switch on your audio, video also, please? Sir, I cannot be on video because my bandwidth is very low. Actually, the video it is breaking. Okay. So I just wanted to clarify that if associate, you know, because it is not expressly mentioned anywhere in bylaws, it is implied that, you know, once he is into managing committee, he can also become an office bearer, right? Yes, that may not be mentioned in the bylaws, but it is mentioned in the section, in the act. And once a thing is mentioned in the act, there is no need of mentioning it in the bylaws. Bylaw is a very childish thing. The act is the only superior. Okay? Which act, sir? Which act? MCS Act. Oh, okay, sir. It is mentioned there that he can... Yes. Yes. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Next question is by Mr. Rakesh Malhotra. Mr. Rakesh Malhotra. Hello, sir. Associate member, committee member ho chuka hai. और प्राइमरी मेंबर को लगता है कि अभी मैं उसका एसोसिएट मेंबरशिप कैंसिल करा दूं बाय प्रोवाइडिंग लेटर कि मैं कैंसिल करना चाहता हूं उसका एसोसिएट मेंबरशिप, तो फिर क्या होगा? वो कमिटी से भी बाहर निकल जा सकता है क्या? नहीं, एसोसिएट मेंबर का राइट जो है वो प्राइमरी मेंबर देता है, करेक्ट है? करेक्ट। और प्राइमरी मेंबर बोलता है मैं अपना राइट वापस ले लेता हूं। ओके, तो एसोसिएट मेंबर का राइट अपने आप खत्म हो गया हर चीज से। ओके, वो मेंबर होने के कारण भी मिस कमिटी में वो समझो चेयर सेक्रेटरी है तो वो ऑटोमेटिक सेक्रेटरी से निकल सकता है, निकल जाएगा उस टाइम, करेक्ट है? ओके, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो ना कि एसोसिएट मेंबर का राइट निकाल दिया, अब एसोसिएट मेंबर का राइट निकाल दिया तो वो सोसाइटी के रिकॉर्ड में रह ही नहीं गया। अब सोसाइटी के रिकॉर्ड में नहीं रह गया तो वो कौन है मैनेजिंग कमिटी में आने का? वो तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। ओके, तो एक ऐसा एक वे है कि ओरिजिनल मेंबर को बोल तो उनको हटा सकते हैं कि समझो एसोसिएट मेंबर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है कमिटी में आके, तो एक और एक वे है जो मेंबर को मेन प्राइमरी मेंबर को बोल के वो कैंसिलेशन करना होगा, करेक्ट सर? यस यस, यू कैन डू दैट, लेकिन प्राइमरी मेंबर यूजुअली ऐसा नहीं करता है। ओके, क्योंकि प्राइमरी मेंबर का कोई ना कोई परिवार वाला ही एसोसिएट मेंबर बनता है। ओके, वो दूध वाला तो बनाने का सिस्टम बंद हो गया ना 2019 के पहले जो होता था वो। करेक्ट। चलो दूध वाले को बना दो, भाजी वाले को बना दो, पान वाले को बना दो, तो अभी वो तो बंद हो गया। अभी तो खुद के बेटा बेटी बहू माँ बाप को बनाते, बहन भाई को बनाते, तो वो होना मुश्किल है। पर आपका टेक्निकल प्रश्न है, अच्छा है, लेकिन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। झगड़ा हो गया अपने बेटे के साथ में, झगड़ा हो गया, बोला गेट आउट, यहाँ से भी गेट आउट करो और एसोसिएट मेंबर से भी गेट आउट करो, बराबर जाओ, यस इट कैन बी डन, ब्रदर इन लॉ का हो सकता है, जाओ एक हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय पुष्पा चूनावाला। पुष्पा चूनावाला मैडम, आर यू देयर? यस सर। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, हमारे यहाँ एसोसिएट मेंबर चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर बन के सोसाइटी बना लिया। वेरी गुड। अभी जो रेगुलर मेंबर है उन लोग उनसे अपोज कर रहे हैं कि हम लोग रेगुलर मेंबर है, वो इलेक्शन जीत के आ गए लेकिन दे आर नॉट लिसनिंग टू देम, क्योंकि जो अभी सेक्शन 154 बी अमेंडमेंट एक्ट है उसके ऊपर क्लियरली लिखा है कि नॉट एप्लीकेबल फॉर हाउसिंग सोसाइटीज। ये जो अमेंडमेंट है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दी हाउसिंग सोसाइटीज, ऐसा करके है। तो फिर हम लोग क्या किया, जो रेगुलर मेंबर है उन्होंने एक मीटिंग लिया और अभी कोऑपरेटिव केस में कोर्ट में केस चालू है और उसने कॉग्निशंस लिया कि यस इट इज ट्रू कि ये जो है अमेंडमेंट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू हाउसिंग सोसाइटीज, ये अदर देन हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी हियरिंग चालू है, दो तीन डेट हो गई है।
मतलब अभी जो नया अमेंडमेंट आया जुलाई 2019 हाँ, हाँ, वो अमेंडमेंट में जो 18 ए वाला जो है उसमें लिखा हुआ है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द हाउसिंग सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटी छोड़ के बाकी लोग को सबको एप्लीकेबल है दैट अमेंडमेंट इज। तो हमने 18 ए क्या लिखा हुआ है सर जी, 18 ए में क्या लिखा हुआ है? उसमें एक्सेप्शंस दिए हैं सर, जैसे ये जो एसोसिएट मेंबर का जो कंसेप्ट है ना सर, तो उसमें ये सब ब्लड रिलेशन वगैरह डाल दिया आपने, जैसे बोला दूध वाला नहीं बन सकता है वो सब एग्रीड, लेकिन उसमें जो अमेंडमेंट का टॉप में एक लाइन में लिखा हुआ है वो बुक में है, और हर जगह हमने ऑनलाइन भी प्रिंट आउट लिया, इवन मार्केट से परचेस किया, उसमें सब जगह पे लिखा हुआ है टॉप में कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाउसिंग सोसाइटीज। वो बेस पे हमारा केस एडमिट हो गया वहां पर कोऑपरेटिव कोर्ट में, और अभी दो डेट पड़ी है, अभी तीसरी डेट अगली है होने वाली है। तो क्या आप समझ, क्या हमको गाइड कर सकते हैं सर इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया, एसोसिएट मेंबर लोगों ने इलेक्शन जीत के इलेक्शन में आके सब सीट पे बैठ गए, लेकिन जो रेगुलर मेंबर हैं वो बोलते हैं कि भाई आप तो 100 रुपया दे के एसोसिएट मेंबर करके हमारे पे रूल पे रूल बना रहे हो, वी आर नॉट बाउंड टू लिसन टू यू, तो क्या कर सकते हैं? एसोसिएट मेंबर जबरदस्ती आए कि इलेक्टेड होकर आए? नहीं, इलेक्शन करके आए थे, इलेक्शन करके आए। फिर कोऑपरेटिव कोर्ट में देखिए कोऑपरेटिव कोर्ट क्या फैसला देता है। हाँ वो तो सर अभी आप बता रहे हैं तो क्या ऐसा है, क्योंकि उन्होंने तो कॉग्निशंस लेके केस एडमिट कर लिया हमारा, अभी उसका जो हियरिंग चल रहा है तो क्या हो रहा है आपको तो मालूम है, कोर्ट केस में एक नहीं आएगा, दूसरे दिन दूसरी पार्टी नहीं आएगी, और थोड़ा एडजोनमेंट होते रहते हैं, लेकिन केस हमारा वहां चालू है सर। सर जी ऐसा है कि केस डालने के लिए कोऑपरेटिव कोर्ट में 5,000 रुपए का फीस लगता है। करेक्ट सर। आपके पास 50,000 रुपया है तो आप 10 केस फाइल कर सकते हो, कोर्ट को कोई तकलीफ नहीं है उसके लिए, एडमिट भी हो जाएगा। जी सर, कोर्ट के पास टाइम नहीं है कि वो चीज को एडमिट करे नहीं करे डिसाइड करे, सुनवाई होगी साल दो साल जितने भी समय लगेगा, उसके बाद में डिसाइड होगा कि मैटर ट्रू है या फॉल्स है। एडमिट करने में या कोर्ट में केस चलाना कोई बड़ी बात आम नहीं। आम बात है। हाँ, एकदम आम बात है वो चीज, तो ये सोचना गलत है कि कोर्ट में केस चलना है तो मैं जीत जाऊंगा ये यही सही है, वो गलत चीज हो जाएगा। लेकिन सर ये अमेंडमेंट जो है ना उसके टॉप में ही लिखा हुआ है लाइन, अभी मेरे पास वो है नहीं और मैं आपको कोट नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको कल पर्सनल नंबर पे बात करूंगा, क्योंकि उसमें ऊपर ही लिखा हुआ है, जो मैं उसका स्क्रीनशॉट निकाल के भी आपको भेज सकता हूँ, उसमें लिखा है नॉट एप्लीकेबल फॉर हाउसिंग सोसाइटीज। आप MCA एक्ट ले लो, 1960, मार्केट से ले लो, ऑनलाइन ले लो, कहीं पर भी उसमें लिखा है कि ये जो अमेंडमेंट का जो पार्ट है, जो पर्टिकुलरली 18A एसोसिएट मेंबर वाला कंसेप्ट है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द हाउसिंग सोसाइटीज, उसके अलावा बाकी सब सोसाइटी को एप्लीकेबल है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। एसोसिएट मेंबर के लिए अलग से सेक्शन नया निकाला गया है, 18A अगर एप्लीकेबल नहीं है तो 18A के जगह में 154B(18) निकाला हुआ है, 154B(1) निकाला हुआ है, 154B(10) निकाला हुआ है, 154(7) निकाला हुआ है, वो भी एप्लीकेबल नहीं है क्या? नहीं, अभी मैं आपको कल ही पूरा डिटेल में समझाऊंगा, कि अभी मैं दूसरी जगह बाहर से आया, अचानक मीटिंग चालू किया, लेकिन मेरे पास एनीवे, थैंक यू मिस्टर चूनावाला फॉर जॉइनिंग। ओके, थैंक यू मिस्टर सचिन। मिस्टर सचिन आर यू देयर? हेलो। हाँ मिस्टर सचिन पूछिए सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन है सर, एसोसिएट मेंबर के लिए जो फॉर्म नंबर 7 सबमिट करना है, वो सबमिट करने के बाद में कितने दिन में मेंबरशिप सोसाइटी से डिक्लेयर होती है? अगर आपने एसोसिएट मेंबर का फॉर्म सबमिट किया है, एसोसिएट मेंबर का 100 रुपए दिया हुआ है, तो जो भी नजदीकी मैनेजिंग कमिटी मीटिंग होने वाली है, पहली उस मीटिंग में कंसिडर करना है, और उस मैनेजिंग कमेटी के डिसीजन को 15 दिनों के अंदर प्राइमरी मेंबर को बोलना है कि आपका एसोसिएट मेंबर फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, ये रहा उसका लेटर। तो उसके लिए ऐसा कोई सर्टन टर्न अराउंड टाइम नहीं है, जो भी पहला मीटिंग होगा उसमें उसको उनको डिसीजन लेना है? करेक्ट है। वो सेक्रेटरी का रोल क्या क्या है वो 131 बायलॉ में चेक कर लीजिए। अगर मानो आपने एसोसिएट मेंबर का फॉर्म 10 तारीख को दिया, ओके,
और 3 दिन का एमसी नोटिस, एमसी मीटिंग का नोटिस पीरियड है। ओके, तो 3 दिनों के बाद में अगर एमसी मीटिंग होती है, समझे 10 तारीख को फॉर्म दी और 15 तारीख को एमसी मीटिंग है। ओके, तो आपका एसोसिएट मेंबर का फॉर्म उस 15 तारीख की एमसी मीटिंग में कंसिडर करना है, अप्रूव करना है, और बाद में 15 दिनों के अंदर आपको खबर कर देना है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का। ओके, और सेक्रेटरी के फंक्शन क्या क्या है बायलॉज में आप चेक कर लीजिए। ओके सर, उसके अंदर पीरियड्स लिखा हुआ है। ओके, वो कौन से नंबर पे सर, आपको याद है कुछ? 131 से 137 के बीच में देखिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। ओके ठीक है, चलेगा सर। और सेकंड क्वेश्चन था सर ऐसा कि जो मैनेजिंग कमेटी पे जो पोजीशंस पे बैठे हैं, मतलब चीफ सेक्रेटरी, ये सब प्रॉपर्टी ब्रोकर है, तो अभी वो पहले से ही प्रॉपर्टी ब्रोकर है, ऐसा भी नहीं बाद में बने हैं, बट मैंने ऐसा रीड किया है कि प्रॉपर्टी ब्रोकर जो सेल परचेस का डीलिंग करते हैं, वो खुद के ही अपार्टमेंट में पोजीशंस पे नहीं आ सकते, तो ये सही है? प्रॉपर्टी उसमें ऐसा सेक्शन मेरे ख्याल से 154(b)(23) में है शायद ये प्रोविजन। ओके, उसमें ऐसा है कि समझो अनिल शर्मा एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है। ओके, और अनिल शर्मा एक्सवाइजेड सोसाइटी में मेंबर है, या मैनेजिंग कमिटी मेंबर है, या चेयरमैन से जो भी कुछ है वो। ओके, अनिल शर्मा एक्सवाइजेड सोसाइटी को छोड़ के सारा ब्रोकिंग का काम, स्टेट एजेंट का काम, वो बाकी हर जगह कर सकता है अपने खुद के सोसाइटी को छोड़ के। हाँ, और अगर खुद की सोसाइटी में कर रहा है तो वो मैनेजिंग कमेटी में नहीं हो सकता, ऐसा वर्णन डिस्क्रिप्शन कानून 154(b)(23) में लिखा हुआ है। ओके, मतलब वो प्रॉपर्टी ब्रोकर है तो चलेगा, बट उनको राइट्स नहीं रहेंगे कि वो सोसाइटी इंटरनल फ्लैट्स में सेल परचेस या रेंट आउट नहीं कर सकते। करेक्ट है, बट अभी ये जो भी बना हुआ है महाराष्ट्र सरकार ने जो भी बनाया हुआ है, हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में है, उसके राइट्स के विरुद्ध में आता है। हर आदमी को अधिकार है जहां मर्जी आए वो काम काज अपना धंधा कर सकता है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो अपना खुद के फ्लैट में रहते हुए खुद के फ्लैट को आधा ऑफिस कन्वर्ट कर सकता है। और सर, इसके लिए फिर अगर कम क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। ओके, मिस्टर राकेश मल्होत्रा, यू हैड एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, यस सर, हाँ, आई एम ऑडिबल। मिस्टर राकेश, जस्ट होल्ड ऑन मिस्टर राकेश, बोलिए सचिन सर। हाँ, मैं बोल रहा था सर, अगर ये अभी ये जो गलत हो रहा है, इसके लिए मुझे अगर कंप्लेंट करना है कि जो ब्रोकर से वो खुद के ही सोसाइटी में चेयरपर्सन बन के डीलिंग भी कर रहे, तो इनको अगर अपोज करना है या हटाना है, तो मुझे कंप्लेंट कहाँ करनी होगी इसकी? आपके कॉपरेटिव रजिस्ट्रार, आपका जो वार्ड का कॉपरेटिव रजिस्ट्रार है, उसके पास कंप्लेंट करिए, सबूत के साथ में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो आपके ऊपर ही फॉल्स कंप्लेंट फाइल करने का क्रिमिनल केस भी बन सकता है। ओके ठीक है, चलेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर सचिन। हाँ मिस्टर राकेश, बोलिए सर। सर एक्चुअली आपने आंसर दिया है, पर मेरा बायलॉज के रिलेटेड क्वेश्चन था कि अभी नया बायलॉज आया नहीं है, करेक्ट सर? और 13 का बायलॉज और 14 का बायलॉज, उसमें जब मैं फॉर्म नंबर 5 देखता हूँ एसोसिएट मेंबर भरने के लिए जो फॉर्म है, उसके एंडिंग में लिखा हुआ है कि मेरे नाम के बाद ये एसोसिएट का नाम मेरे शेयर सर्टिफिकेट में लिखो आप, ऐसा वो एंडिंग में ये लाइन है वो उसमें। तो अभी जो आपने जो बताया कि अभी ऐसे नहीं कर सकते जो 154(b) में, वैसे क्लियर कट लिखा हुआ है क्या? क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है वो फॉर्म 154(b). ठीक है, जब आप फॉर्म भर के देंगे सोसाइटी को तो वो वाली पर्टिकुलर लाइन को आप डिलीट कर दीजिए। ओके, लाइन कट कर दीजिए, क्योंकि मैनेजिंग कमिटी को अधिकार नहीं है इस सेक्शन के वजह से कि आपका नाम शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्स कर सके। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट करे उसके पहले आप वो लाइन डिलीट कर दीजिए, या तो फ्रेश टाइप कर लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि बायलॉज का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है वो आप प्रॉपरली टाइप करके नहीं दे सकते, इट इज पॉसिबल। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर योगेश पाटिल।
सर माझा जो क्वेश्चन आहे तो जॉईंट मेंबरशी रिलेटेड आहे. समजा अग्रीमेंट मध्ये हस्बंड वाईफ दोघांचं पण नाव आहे सेल डीड मध्ये बिल्डर कडून फ्लॅट घेताना, तर त्यानंतर रजिस्टर होताना दोघांचं नाव जॉईंटली शेअर सर्टिफिकेट वर जाईल की म्हणजे ते अप्लाय वगैरे काय करावं लागतं त्याच्यासाठी? जर रिसेल मध्ये फ्लॅट घेतलेला आहे तर दोघांचं नाव ऍज सिक्वेन्स इन द अग्रीमेंट तसंच ऍप्लिकेशन मध्ये करायला लागेल. ऍप्लिकेशन फॉर्म नंबर काय काय असतो, 4 नंबर, 21 नंबर, 23 नंबर, त्याच्या अगोदर सोसायटीमध्ये रिसेलच्या फ्लॅटच्या टायमाला एनओसी घ्यायला लागतो मेंबरशिप ट्रान्सफर करायला. तर त्याच्यात फॉर्म नंबर 20 20 ब्रॅकेट 1 अँड 20 ब्रॅकेट 2 हा दोघा द्यायला लागतो. तर नाव तर दोघा असल्यास द्यायला लागणार आहे तुम्हाला, त्याचे एक्सेप्शन नाहीये. ओके. आणि बिल्डर कडनं समजा फ्लॅट घेतला असेल तर? बिल्डर कडून घेतलं असेल तर बिल्डर स्वतःही ते रेकॉर्ड सोसायटीला ट्रान्सफर करतो की हे 10 फ्लॅट आहे, मी ही विकलेलं आहे, हे त्यांचं अग्रीमेंट आहे, त्याप्रमाणे त्यांना हे शेअर मनी आहे, त्यांची एंट्रन्स फीज आहे, त्याप्रमाणे त्यांचा शेअर सर्टिफिकेट इश्यू करा. हा म्हणजे अग्रीमेंट मध्ये जर जॉईंटली आम्ही घेतला असेल तर मग ते बिल्डरला मॅन्डेटरी आहे की त्यांनी जॉईंटलीच ते द्यायला पाहिजे? एक्झॅक्टली करेक्ट, व्हेरी करेक्ट. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक यू मिस्टर फ्रान्सिस, कॅन यू कम बॅक? यू हॅव एनी क्वेश्चन? सर बॅकग्राऊंड म्युझिक इज देयर, आई कॅन स्पीक. नवरात्र का दांडिया चल रहा है? नवरात्रि इज ओवर आई थिंक. एनीवे मिस्टर मेनेजेस, नो प्रॉब्लम्स. आप पूछिए आपका प्रश्न क्या है, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. आई गॉट द आंसर फ्रॉम अदर मेंबर्स, सेम क्वेश्चन दे हैव रिपीटेड. थैंक यू मिस्टर मेनेजेस फॉर जॉइनिंग. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चंस बिफोर वी कंक्लूड अवर टुडेज वेबिनार? हॅलो. ओके. हॅलो. हॅलो. यस मिस्टर राकेश. सर ये सेल एग्रीमेंट में सीरियल 1 और 2 है तो उसका सीरियल नंबर बाद में चेंज कर सकते हैं क्या, जब शेयर सर्टिफिकेट नाम लगाते समय? जो नाम एग्रीमेंट में है, जो सीक्वेंस में रहेगा, वही सीक्वेंस में सोसाइटी के रिकॉर्ड, सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट, सारे रिकॉर्ड्स में वैसे के वैसे ही आएंगे, इवन इंक्लूडिंग ऑन द मेंटेनेंस बिल. ओके. ओके. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट सर. ओके. ओके, वी विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार. थैंक यू ऑल फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग एंड सपोर्टिंग मी. थैंक यू सर. वन लास्ट क्वेश्चन सर. हाँ पूछिए मिस्टर चुनाव वाला. सर ऐसा है, एक फ्लैट ओनर था, इसका खुद का नाम पे फ्लैट नहीं था, बच्चों के नाम पे था, लेकिन वो 10 साल तक सेक्रेटरी बना रहा, तो क्या उस पर क्रिमिनल केस हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट देखने के बाद समझ में आएगा कि क्या पोजीशन है. अच्छा अच्छा. लेकिन वो सेक्रेटरी मेंबर बनने के बाद सेक्रेटरी बना हो? हाँ डॉक्यूमेंट देख लेंगे कैसा क्या पोजीशन पे बना हुआ है, फिर उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. आप अपने लोकल एरिया एडवोकेट को मिलिए और बात करिए उनसे, बताइए डॉक्यूमेंट्स, फिर वो बताएंगे क्या करना है. नहीं नहीं सर, ये आप हमारे मेंटर है सर. सर एक क्वेश्चन. थैंक यू सर. थैंक यू मिस्टर सत्यनारायण. सर मिस्टर सत्यनारायण अनम्यूट योरसेल्फ. सत्यनारायण जी. यस सर. गो अहेड सर. एसोसिएट मेंबरशिप के डेफिनेशन में अंग्रेजी में 12 रिलेटिव्स लिखे हुए हैं, उसमें नेफ्यू और नीस दोनों लिखे हैं. yes, तो क्या भांजा भांजे को माना जाएगा कि भतीजा भतीजे को माना जाएगा? नेफ्यू किसको बोलते हैं सर? हिंदी और मराठी में नेफ्यू भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. वेल ये रिलेशंस में मेरे को हमेशा कंफ्यूज है, लेकिन जो मेरी साधारण बुद्धि बोलती है कि नेफ्यू मतलब भाई का बेटा, राइट, और नीस का मतलब हो गया, नीस का मतलब क्या हो गया? नीस का मतलब भतीजी, भाई की लड़की, भाई का बेटा और भाई की बेटी, ये हो गए भतीजा और भतीजी. और जब हम इसको नेफ्यू और नीस को मराठी में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें भांजा, भांजा यानी
मामा का बेटा वो भी आ जाता है। आई थिंक हमारे साथ में मोरे साहब जुड़े हुए हैं, प्रकाश मोरे जी, ही इज अ लॉयर, आप भी लॉयर हो। मोरे साहब कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस थिंग, मराठी में अनुवाद क्या होता है? मराठी मध्ये ऍक्च्युअली बघायला गेलं तर पुतण्या पुतण्या म्हणजे भावाचा मुलगा आणि पाची म्हटली तर बहिणीची मुलगी, बहिणीची मुलगी, बरोबर आहे ना सर? बरोबर बरोबर। हिंदी में क्या करेंगे मोरे साहब? वही भाई का लड़का और बहन की लड़की, बहन की लड़की वही आएंगे। वो लड़की का नहीं लेकिन औधा क्या देंगे उसको, डेजिनेशन क्या देंगे? नहीं सर वो इंग्लिश में है तो वो वही गड़बड़े सर प्रॉब्लम वही आता है। तो भतीजा हुआ एक भांजी हुई, भतीजा का मतलब भाई के वहां से निकला, भाई से, और भांजी मतलब बहन की वहां से निकली, बहन के वहां से, बराबर है। और नेफ्यू भी वही हुआ अंग्रेजी में, अगर आप गूगल करोगे या डिक्शनरी में चेक करोगे तो नेफ्यू तो भाई का ही लड़का लड़का आएगा। नहीं सर, सर सर मैं बोलो, नितिन राणे मैं बोलो। हाँ नितिन राणे सर बोलो। एक्चुअल जो एमसीएक्ट 2019 है ना उसका जो मराठी वर्जन है उसमें सिर्फ भाई का लड़का और भाई की लड़की मतलब पुतण्या आणि पुतणी हेच नाव दिलेलं आहे, भाचा भाची नाहीये, त्यामुळे भाचा आणि भाची हे असोसिएट मेंबर होऊ शकणार नाही। भाचा भाची कशाला नाहीये, एक मिनिट, भाचा भाची कशाला नाहीये? ते कशाला नाही ते माहिती नाही पण त्याच्यामध्ये नाहीये, ते मराठी वर्जन मध्ये पुतण्या पुतण्या आणि पुतणी असेच लिहिलेले आहेत फक्त, भाचा आणि भाची लिहिलेलं नाही सर। तिथे चुकतात ते। कॅन आय सर, कॅन आय जस्ट मेक अ पॉइंट? Okay, go ahead. Sir, I think this is like we are, because this most of this laws where the meaning was derived from a time when the patriarchal society existed. Now, nephew and niece means any children of a sibling, of a blood sibling is a nephew and niece. Whether it is sister, son, daughter or a brother, son, daughter, it is nephew and niece. It is as simple as that. You know, we don't have to go into language meanings and all because this was a media of the brother, son, daughter, because at that time only the sons used to have inheritance, this thing. Now it is not the case. So I think any siblings, daughter or son will be a nephew and niece. Whether you call it anything in any other language does not matter. What is the meaning of sister-in-law, Mr. Arun? And what about brother-in-law? What about brother-in-law? No, nephew and niece is only relating to the blood, brother, sister, son and daughter. That's it. It has nothing to go beyond that. That other derived meanings we can have. But as per law, if your brother, son and daughter is nephew and niece, sister, son and daughter is also nephew and niece. No, is sir, that is not the case. So just Nitin, sister, daughter and son cannot be nephew and niece. Abhi Rane sahab ne bataya, More sahab ne bhi bataya. The definition totally becomes separate. सिस्टर इन लॉ का दो मीनिंग हुआ, एक तो भाई की लड़की हुई। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिस्टर इन लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सिस्टर, सिस्टर एंड ब्रदर्स। आई एम गिविंग एन एनालॉजी कि आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करोगे। बट व्हाट इज दैट टू डिफरेंशिएट इफ यू आर नॉट टुडे व्हेन मैन एंड वुमन आर नॉट डिफरेंशिएटेड इन लॉ एज़ फॉर सिस्टर एंड ब्रदर हैव इक्वल राइट्स। वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ लॉ, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ फिलॉसफी। वो बाकी आप छोड़ दीजिए फिलॉसफी। कानून के हायरार्की में क्या आता है रिलेशंस, मुझे वो जानना है। गौर साहब ने पूछा, सत्यनारायण गौर साहब ने पूछा कि ये टेक्निकल प्रश्न है उनका, उसका मोरे साहब ने जवाब दिया, नितिन राणे साहब ने जवाब दिया और परेश शाह साहब ने भी जवाब दिया, आपने भी अपना जवाब दिया। एनीवे दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक बट आई विल लीव इट टू मिस्टर सत्यनारायण टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर ही वांट्स टू अंडरस्टैंड। सर वन मोर क्वेश्चन, वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो भी मराठी कानून कायदा लिखा हुआ है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन माना जाता है, सही, ये भी एक बात है। तो उस हिसाब से ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकलना ही चाहिए। तो बेसिकली सॉल्यूशन तो है उसके अंदर, बहुत सरल सॉल्यूशन है। आप अगर गूगल करोगे ध्यान से तो आपको हायरार्की मिलेगी कि इस रिलेशन के नीचे को क्या बोला जाता है, और बहन के बहन का परिवार वो दूसरे का परिवार हो गया, अभी आपके खुद का घर का परिवार नहीं हुआ। उसके बच्चे जो हैं अनीता शर्मा, और आप अनीता शर्मा कहाँ से आई है, वो सुनील राव के फैमिली से आई है।
तो सुनील राव का नेफ्यू नीस कौन हुआ और अनीता शर्मा का नेफ्यू नीस उसके परिवार में गिना जाएगा? कि आप राव परिवार में अपना नेफ्यू और नीस घुसेड़ोगे, वो नहीं हो सकता है ना सर जी? नहीं, मैंने गूगल किया कि नेफ्यू तो मराठी क्लास टू लिखा मराठी में आएगा। हाँ नहीं, नेफ्यू का मराठी ट्रांसलेशन मीनिंग क्या होता है करके, या हिंदी क्या होता है, तो उसमें भतीजा और भांजा दोनों लिखा गया। एनीवे एक्चुअली हमारे पास टाइम भी हां ना, ठीक है ठीक है, ये बस ये। हां सभी दोस्तों का धन्यवाद वेबिनार और को ज्वाइन करने में, सपोर्ट करने में। विद द परमिशन ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स, वी विल कंक्लूड टुडेस वेबिनार। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग वेबिनार। Wishing all, all friends a healthy and peaceful life for both. Thank you. 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 Thank you